जो हमने ये तो लास्ट जो बनाया था वो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम उस आर्टिकल में जो डेव सीडिया का था, और वहाँ आगे देखते हैं उसने आगे क्या बताया हुआ है। अच्छा, ये जो योर टर्न वाला काम है, होपफुली आप सब लोगों से हो गया होगा। ये प्लस माइनस का काउंटर बनाना था इसमें। ये मैंने क्लास में आपको बताया था कि ये योर टर्न वाला काम ये आप सब लोगों ने कर लेना है। बन गए जी गुड यार, वेल डन। सर, बन गया। अच्छा, अब हमें देखना है फैच डेटा विथ रिएक्ट, कि रिएक्ट के ज़रिए हम डेटा को कैसे फैच करेंगे अपने रिएक्ट की ऐप में, एपीआई कॉल को हम कैसे चला रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये है वो कोड जो हेलो वर्ल्ड का जो कोड था। इन्होंने इसके अंदर एक आदत क्या बना लिया है, स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम, वेरिएबल का नाम है पोस्ट, और सेट पोस्ट एक फंक्शन है जिससे इसकी वैल्यू को चेंज किया जाता है। अच्छा, अब ये हम भी बना चुके हैं इतना। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको जो है ना, ये स्टेटफुल कंपोनेंट जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि हम आज का काम उसके अंदर करें। ठीक है, ताकि लास्ट वाला कोड हमारा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, रेंडर द लिस्ट, के लिस्ट को हम रेंडर कैसे करेंगे। जैसे ये पोस्ट करके लिखा हुआ है ना लिस्ट, तो इसको मैप चला के यहाँ पे रेंडर करना बताया स्क्रीन पे। अच्छा, इस पोस्ट में अभी तक कुछ है नहीं, मौजूद नहीं है कुछ। ठीक है, इस पोस्ट में अभी तक कुछ मौजूद नहीं है, तो जाहिर है स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा भी नहीं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एग्जियोस करके एक लाइब्रेरी है जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए डेटा गेट किया है। कहाँ का डेटा गेट किया है, रेडिट का एक डेटा इन्होंने गेट किया है। हम ट्विटर का भी कर सकते हैं, कोई सा भी एपीआई कॉल करके हम ये डेटा गेट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम वेदर फोरकास्ट वाली एपीआई कॉल कर लेते हैं। बल्कि चलो एक काम करते हैं, ये वाली एपीआई मैं कॉल करके दिखा देता हूँ जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। आप लोग सब क्या कीजिएगा, वेदर का जो फोरकास्ट है ना, वो वाली एपीआई कॉल करके वेदर का डेटा डिस्प्ले करवा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम आ जाते हैं अपने, ये कॉपी हो चुका है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं कहता हूँ 5, और इसको मैं बोल देता हूँ कि यूज़ इफेक्ट। ये मैंने इसका नाम रख दिया यूज़ इफेक्ट, क्योंकि यूज़ इफेक्ट नाम ही एक चीज़ है जो इस्तेमाल होगी हमारे पास एपीआई को कॉल करने में। अच्छा, इसको मैं रोक के सीडी करके बैक आ जाता हूँ, और सीडी 5 यूज़ इफेक्ट के अंदर जाके एनपीएम स्टार्ट चला देता हूँ। ठीक है, जो कॉपी बनाई है मैंने उसको मैंने रन भी कर दिया साथ साथ। ठीक है, ये जो कॉपी बनाई थी ये वो रन हुआ है, लेकिन चूंकि अभी वो सेम कोड है, अभी तक कोई चेंज नहीं किया हमने, तो इसलिए वो एक जैसा दिख रहा है। src में आया मैं, और index.js की फाइल में आने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये करना है कि ये जो इज लिट के नाम से वेरिएबल था ना, अब मैं इसको, मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए पोस्ट, और उसके बाद चाहिए मुझे सेट पोस्ट। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इसको दूंगा एरे, क्योंकि मेरा जो एपीआई कॉल से जो चीज़ आएगी ना वो एरे आएगी। अच्छा, ये इनिशियल वैल्यू अगर मैं कुछ ना दूँ ना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट क्या मिलेगा, नल मिलेगा। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि मैं इसको एक एम्प्टी एरे दे दूँ, क्योंकि इस पर मैं लूप चला के स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाऊंगा, तो अगर मैं इसको नल रखूंगा ना, तो नल पर लूप नहीं चलता, एरर दे देता है वो। एम्प्टी एरे पर लूप चल जाता है, लेकिन वो जीरो टाइम्स चलता है, तो वो कुछ मसला नहीं होता इससे। अच्छा, इसके अंदर का जो डिव वगैरह है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इस एक काम और भी करता हूँ मैं, इस फाइल का नाम ना index.js है ना, js के आगे मैं x लगा देता हूँ। js के आगे x लगाने से क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं। ये मैंने लिखा डिव, ओ सॉरी, ये मैंने लिखा डिव और एंटर किया मैंने, तो ये ऑटोमेटिक इसको पकड़ता है। अगर JSX आपने लिखा हुआ होगा ना, तो ये इसको सही पकड़ेगा, और अगर आपने सिर्फ JS लिखा हुआ होगा, तो ये डिव को समझ में नहीं आता इसकी कि डिव क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, जैसे HTML के अंदर सजेशन आ रही होती है, इंटेलिजेंस आ रहा होता है, वैसे ही इसके अंदर इंटेलिजेंस आएगा। जस्ट मैंने क्या किया, फाइल के नाम को JSX बना दिया। ठीक है, जैसे हम सर्वर जब लिख रहे थे ना ES6 का, तो हम क्या लिखते थे फाइल का नाम, MJS लिखते थे, तो इसी तरीके से ये JSX लिख रहे हैं हम। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल, ये फाइल में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन ये अब क्या हो जाएगा, आपको सजेशन देने लग जाएगा रिएक्ट वाली। ये अच्छा, ये पोस्ट बना दिया इसने। अच्छा, अभी हम इसको रेंडर नहीं करवाते हैं, रेंडर हम जब करवाएंगे जब डेटा आ जाएगा हमारी API कॉल पे।
अच्छा डेटा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट नामी चीज़ है, उसको मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट ऐसे इम्पोर्ट हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं, यूज़ इफेक्ट, और यहाँ से पूरा इसका कोड लेकर आ जाता हूँ। कहाँ गया भला वो कोड, ठीक है। अच्छा इसने रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट लगाया हुआ है, हमने यूज़ इफेक्ट को डायरेक्ट निकाला हुआ है तो हम डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे। और यूज़ इफेक्ट के अंदर इसने जो किया हुआ है वो API कॉल की हुई है एग्जियोस के ज़रिए, तो मैं पूरा इसका कोड जो लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट है, मैं रिएक्ट डॉट हटा देता हूँ इसमें से। अच्छा एग्जियोस मैंने अभी तक अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रोक देता हूँ और मैं कहता हूँ npm i axios एग्जियोस एंटर, ठीक है। इससे करने से क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट में एग्जियोस इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे हम प्लेन जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में किया करते थे पहले कि हम CDN लगाते थे, इसमें मुझे CDN लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं npm से इंस्टॉल करूँगा। अच्छा ये चीज़ अगर आप जाएंगे एग्जियोस लिखेंगे तो ये जो इनकी ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जो टॉप पे चलते हैं भाई, ये देखें ये एग्जियोस यहीं से उठाते थे ना CDN, हम यहाँ से ये CDN था हम जो उठाते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली कमांड भी लिखी हुई है npm i exios। अच्छा i लिख दें या पूरा इंस्टॉल लिख दें एक ही बात है, यहाँ पे टॉप पे भी ये कमांड लिखी हुई होती है, ये रहा npm i exios, तो i लिख दें या पूरा इंस्टॉल लिख दें एक ही बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर शॉर्टकट पे रहूँ तो npm i लिखता हूँ मैं, ठीक है। पूरा इंस्टॉल आमतौर पर मैं नहीं लिखता हूँ। अच्छा तो npm i करके मैंने एग्जियोस को क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अभी एग्जियोस इंस्टॉल तो हो गया, इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट करने का वही तरीका है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ होता है, तो मैं डॉक्यूमेंट से देख लेता हूँ कि ये इंपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में देखें इन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे करके भी रिक्वायर करके ये वाला तरीका। अच्छा हमें रिक्वायर नहीं करना, हमें जो है क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट इन्होंने क्या बताया हुआ है कहीं पर, हाँ अच्छा इम्पोर्ट इन्होंने ये बताया हुआ है, ठीक है। एग्जियोस फ्रॉम एग्जियोस ये आ गया जी हमारा, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, एग्जियोस को इम्पोर्ट करवा दिया, तो ये एग्जियोस मेरे पास अवेलेबल हो गया, राइट। अच्छा अब देखें इसमें हो क्या रहा है, ये जो यूज इफेक्ट है जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये यूज़ इफ़ेक्ट एक दफ़ा चल जाएगा खुद से, ठीक है। ये यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा कभी भी नहीं चलेगा, ये यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा कभी भी नहीं चलेगा। अच्छा ये क्योंकि एरे है ना ये वाला, तो उसके नाम के साथ एस लगाना ज़रूरी था मेरे लिए, ठीक है। कन्वेंशन है ये, इन्होंने भी एस लगाया हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एस लगाना जो है वो क्या है, कन्वेंशन है किसी भी एरे के नाम के साथ। अच्छा तो मैंने क्या बताया कि ये यूज़ इफ़ेक्ट जो है जब आपका कंपोनेंट चलेगा तो ये यूज़ इफ़ेक्ट क्या होगा, एक दफ़ा चल जाएगा, उसके बाद ये दोबारा कभी भी नहीं चलेगा, और यूज़ इफ़ेक्ट की बॉडी जो वो यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, इसके दरमियान में जो भी कोड है वो कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे केस में एग्जियोस है लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जियोस की API कॉल हो रही हो। कोई भी ऐसा काम जो आप कंपोनेंट के रेंडर होते ही, यानी आपके जब ऐप जब चलेगी तो आप होते ही पहली दफ़ा जब आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो काम आप यूज़ इफेक्ट के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हम अब इस क्या कर रहे हैं, इसमें API कॉल कर रहे हैं, मुझे दो मिनट दीजिएगा मैं आता हूँ। सर मेरे ख्याल से सबसे एंड में चलती है ये रेंडर होने के बाद। अच्छा तो अच्छा अभी एंड में चलती है, पहले चलती है, अभी वो हम नहीं देख रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि यूज़ इफेक्ट ये एक दफ़ा चलेगा बस, दोबारा ये नहीं चलेगा। अच्छा तो हमें यूज़ इफेक्ट की ज़रूरत क्यों है, अगर ये एग्जियोस का कोड मैं यहाँ से कट करूँ और कट करके उसको मैं बाहर लिख दूँ, यानी जैसे यहाँ पे लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए, इसको मैं ज़रा npm start चला के ना इसको बंद कर देता हूँ ताकि ये नीचे जगह में मिल जाए अच्छी। अच्छा जैसा कि ये फंक्शन जो है, ये रूम के नाम से जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये एक सिंपल फंक्शन है, ये
इसके अंदर ये ऊपर वेरिएबल बना हुआ है, उसके बाद ये यूज़ इफेक्ट है। हम ये यूज़ इफेक्ट अगर यूज़ ना करें, हम इसको अगर रोक दें और हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे चला दें तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये बार बार चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। सही है, ये बार बार क्या होगा, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। इसको हमें ये ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है कि एक दफ़ा चला है, 10 दफ़ा चला है। सर वजह बार बार चलने की इसकी, वो बार बार चलने की वजह ये है कि ये फंक्शन जो है ना, ये वो जितनी दफ़ा आप इस वेरिएबल को जितनी दफ़ा चेंज करते हैं ना, वो कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर करता है, तो ये पूरा फंक्शन दोबारा चलता है। समझ रहे हो आप? जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फ़्लिप फ्लॉप बना हुआ था ना, अभी टॉगल कर रहा था, तो मैं एक दफ़ा जब टॉगल करता हूँ तो ये जो रिटर्न वाला पूरा है ना, ये दोबारा से चलता है, और इसी वजह से वो स्क्रीन पर रिफ्रेश आपको रियल टाइम में होता हुआ दिख रहा होता है। तो ये रिटर्न दोबारा चलता है, तो उसका मतलब है ये पूरा फंक्शन दोबारा चलता है। तो क्या होगा, ये बार बार चलना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसको बार बार नहीं चलाना, हमें इसको जस्ट एक बार चलाना है। ठीक है, तो मैंने इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर डाल दिया। अच्छा, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो API कॉल के अंदर क्या हो रहा है। exios.get एक URL लिखा है, इस URL से मोस्ट प्रोबेबली कोई JSON डेटा आएगा और एक एरे आएगा, क्योंकि पोस्ट मंगवाई जा रही है। अच्छा, एक वेरिएबल बनाया न्यू पोस्ट, और इसने बोला कि भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट चिल्ड्रन, और इसको न्यू पोस्ट के वेरिएबल में रखवा लिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, उसमें से ऑब्जेक्ट डॉट डेटा को अलग किया है। ठीक है, मैप का फंक्शन क्या करता है, ये असल में एक फंक्शन है छोटा सा। ठीक है, इसने बोला इस पूरे जो चिल्ड्रन है ना, इसके ऊपर आप मैप चलाओ और उसका ना ऑब्जेक्ट डॉट डेटा उसमें से बाहर निकालो। तो इस न्यू पोस्ट में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, एक एरे आ जाएगा। इसको मैं कॉन्सोल पर क्या करवा देता हूँ, प्रिंट भी करवा देता हूँ, न्यू पोस्ट्स। ठीक है, अच्छा ये तो ज़रा रेडिट की API थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंदर डेटा थोड़ा कचरा टाइप का आता है, लेकिन हम जो वेदर की API कर रहे थे, नमाज टाइम की API हमने कॉल किया, उसमें सीधा सीधा एरे आता है, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने क्या किया, न्यू पोस्ट को यहाँ पे कॉन्सोल पे प्रिंट भी करवा दिया कि हमें मिलता क्या है, ज़रा पता चल जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो API है रेडिट की, इसको अगर ब्राउज़र में खोलें वो डेटा शो कर रहा है वो। हाँ, वो जेसन जेसन देता है आपको वो। वो अपने काम की चीज़ इन्होंने तलाश कैसे की है ये? जी जी, अपने काम की चीज़ इन्होंने मैप चला के तलाश की है उसमें। ये देखो एक एरे आ गया पूरा लंबा चौड़ा सा। ठीक है, अगर ये मैं मैप ना चलाऊँ ना, तो पता है क्या होगा, ये रहेगा जब भी एरे, लेकिन हर एरे के अंदर ना डॉट चिल्ड्रन के अंदर वो आ रहा होगा, हर चिल्ड्रन के अंदर ना डॉट पोस्ट करके आ रहा होगा। अभी क्या है देखो, अभी ये है कि उसको मैं खोलता हूँ ना, भाई खुल जा भाई, ये क्या सीन हो रहा है, एक मिनट। वेल, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ना। ये देखो, इसको मैंने खोला ना, तो डॉट डेटा इसके अंदर आ रहा है, नोट कर रहे हो, और डेटा के अंदर पोस्ट आती है। अब जब मैं इसका ये मैप वापस ले आता हूँ ना अगर, तो इसमें से ये डॉट डेटा को अलग कर रहा है। देखो, अब ये डॉट डेटा नहीं आ रहा होगा इसमें, डायरेक्ट मैं खोलूँगा ना, डायरेक्ट पोस्ट है पूरी, डॉट डेटा नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इसने असल में ये काम किया, इसने बोला ईच आइटम, ये असल में हम ईच आइटम करके लिखते हैं ना, तो इसलिए शायद अब ज़्यादा मेक सेंस हो गया। ईच पोस्ट में से क्या निकालो, ईच पोस्ट का डेटा रिटर्न करो, पूरा पोस्ट हटा दो, तो ये शायद अब ज़्यादा मेक सेंस हो गया हो कि ये क्या हुआ होगा। हाँ भाई, तो समझ आया ये क्या हुआ होगा, या ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये मैप वाली बात सब लोगों को समझ आई है या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसको? सर कर दें एक दफ़ा एक्सप्लेन। अच्छा, अभी कर देता हूँ इसको। असल में ये एक लाइन में किया हुआ है, इसको मैं पहले तो करूँगा 2-3 लाइनों में जो प्रॉपर होता है। ये मैंने क्या किया, इसको सही है। अच्छा, इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो एक्सियोस जो है ना वो हमेशा वो लेकर आता है। हाँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा लेकर आता है ना। चलो, उसके इसको अंदर मैं जो है वो एक और डेटा का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको मैं चलो और लेकर आता हूँ, रिस्पॉन्स डेटा। सही है, रिस्पॉन्स डेटा में क्या आ गया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ गया। सही है, अब इसके अंदर प्योर डेटा मौजूद है आपके पास। अब इसने बोला कि भाई लेट New posts equals to response data. Response data के अंदर एक और डेटा है और डॉट चिल्ड्रेन है, इस तरह करके है।
तो इस चिल्ड्रन को इसमें से बाहर निकाल लिया। अब ये जो चिल्ड्रन था ना, ये जो चिल्ड्रन था इसमें क्या था, इसमें जो है एरे था, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट था। हाँ एरे, एरे तो ये है, लेकिन उस एरे के अंदर क्या है कि हर पोस्ट के अंदर ना असल डेटा जो था वो डॉट डेटा के अंदर था, ठीक है। ईच पोस्ट जो था, अब देखो क्या हुआ है, सारी पोस्टों को अलग किया इस पॉइंट पे, न्यू पोस्ट के अंदर सारी पोस्ट आ गई, एक एरे आ गया। अब उसने बोला कि ये जो एरे है इसके अंदर एक इजाफी हमारे पास की है जो कि क्या कहलाती है, जो कहलाती है डॉट डेटा, हमें वो चाहिए सिर्फ और बाकी चीज़ नहीं चाहिए। तो हमने इस पूरे पे मैप चलाया, मैप चलाते हुए हमें ईच पोस्ट मिलेगी हर दफ़ा, ईच पोस्ट हमें हर दफ़ा मिलेगी। हमने उस ईच पोस्ट का ना एक की उठा के रिटर्न करवाई है, पूरा पोस्ट रिटर्न नहीं करवाया, सही है। और मैप क्या करता है, जो चीज़ आप रिटर्न करते हैं ना यहाँ से वो सेव करता है, और उस चीज़ को लेके पूरा एरे तैयार करता है और दोबारा उसको न्यू पोस्ट में डालता है। तो अब ये क्या हो गया, प्लेन एरे बन गया। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूंगा तो क्या होगा, ये डॉट डेटा आपको विजिबल होगा हर हर उसके अंदर, देखें इसके अंदर आपको हर आइटम के अंदर ना डॉट डेटा में एक्चुअल डेटा है, ये देखो डॉट डेटा के अंदर है, बाकी ये खाली है पूरा, ठीक है। तो मैंने कहा कि डॉट डेटा के अंदर जो चीज़ है ना मुझे सिर्फ वो रखवानी है, ये काइंड को हटा देना है, काइंड को और ये डेटा इटसेल्फ इसको हटा देना है, इसके अंदर की चीज़ मुझे चाहिए। तो ये काम हो रहा है इस मैप के ज़रिए, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप मैप चला ही दें, आप ये भी कर सकते हैं कि रेंडर करवाते हुए आप लिख दें कि भाई डॉट डेटा डॉट करके ऐसे करवा दें आप, ठीक है। रेंडर करवाते हुए भी ये काम कर सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम। वेल इसको मैंने तीन चार अलग अलग लाइनों में कर दिया है जस्ट टू मेक इट क्लियर। अच्छा अब जो मेरे पास ये पोस्ट तैयार हो चुकी है और मैंने उसको कहाँ पे सेट करवा दिया है, सेट पोस्ट के अंदर उसको मैंने इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया है। अब क्या करूँगा मैं, इस वेरिएबल को मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। कैसे प्रिंट करवाऊँगा, मैं जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा मैं यूँ। हाँ भाई क्या ख्याल है, क्या प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पर, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसने उल्टा क्या दे दिया, एरर दे दिया। उसने कहा कि भाई एरे को या ऑब्जेक्ट को आप ऐसे स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करवा सकते, ये क्या है, ये JSX का कोई कंपोनेंट नहीं है। इसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एज अ वैलिड रिएक्ट चाइल्ड, कह रहे ये रिएक्ट के आपने चाइल्ड के तौर पे दे दिया, चाइल्ड कंपोनेंट समझ रहा है इसको ये, तो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए ना, मैं रेंडर तो करवाना चाहता हूँ, मैं इसको टेक्स्ट फॉर्म में रेंडर करवा देता हूँ। कैसे करवाऊँगा मैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई आप सब लोगों को पता है किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी जेसन को वक्ती तौर पे अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना हो तो स्ट्रिंगिफाई कहते हैं। तो ये प्रिंट हो गया सारा का सारा, ठीक है। लेकिन असल तो मुझे ऐसे तो नहीं करवाना। तो अब जबकि इसने मुझे बोल दिया कि भाई एरे जो है वो आप प्रिंट नहीं करवा सकते, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि एरे के एक एक आइटम को निकाल निकाल के प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। जैसे एरे में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, अच्छा वो आर्टिकल में भी इसने बताया हुआ ना क्या क्या प्रिंट करवा रहा है, ये क्या क्या प्रिंट करवाता है, इसमें से पोस्ट वन पोस्ट टू पोस्ट थ्री, ये क्या बकवास है, नहीं वो एक्चुअल पोस्ट को ये रेंडर नहीं करवाया हुआ इसने क्या, हाँ ये करवाया हुआ है यहाँ पे, डॉट आईडी है डॉट टाइटल है, दो चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो मतलब हम उसी चीज़ के लिए देखें ना, यहाँ पे देखो आईडी है, ये आईडी है पोस्ट की और पोस्ट का एक टाइटल भी होगा कहीं ना कहीं, कहाँ गया भाई टाइटल, अच्छा एम है ना, MNOPQRST, ये रहा टाइटल, ठीक है। और ये लाइव डेटा है बाय द वे, रेडिट के ऊपर से ये लाइव डेटा आ रहा है, जो रिएक्ट वालों का जो बना हुआ है ना रेडिट का, जैसे स्टैक ओवरफ्लो होता है, जैसे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, इस तरह रेडिट के भी ग्रुप्स होते हैं, तो ये वहाँ से लाइव डेटा आ रहा है। अब मैं इस तरह करके तो प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे करके प्रिंट ये सही तरह हो थोड़ी रहा है, ये सही तरह प्रिंट तो नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि एक मैं बनाऊँगा H1, ठीक है। H1 के अंदर मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, पोस्ट डॉट डेटा का इंडेक्स 0, ठीक है ना, डॉट आईडी, ये करवाऊँगा मैं। अच्छा फिर उसके बाद, बल्कि H1 में टाइटल करवा देता हूँ ना, और क्या करवा देता हूँ, और H2 में इसकी मैं आईडी करवा देता, बल्कि छोड़ो पैराग्राफ में इसका पूरा टेक्स्ट करवा देते हैं ना, टाइटल और टेक्स्ट करवाते हैं, टेक्स्ट भी तो इसमें होगा कहीं ना कहीं, इसका टेक्स्ट भी तो होगा ना,
सेल्फ टेक्स्ट, ये इसका टेस्ट है, टेक्स्ट है ये इसका, ठीक है। सेल्फ टेक्स्ट के नाम से इसमें एक आ रहा है जो पूरी टेक्स्ट वैल्यू है। अच्छा सेल्फ टेक्स्ट एचटीएमएल भी आ रहा है मेरे पास, और तो कोई नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है कहीं पे क्या? हाँ नहीं, ये सेल्फ टेक्स्ट है। अच्छा सेल्फ टेक्स्ट की स्पेलिंग क्या है भला? ये है सेल्फ टेक्स्ट की स्पेलिंग। मैंने कहा कि भाई एच वन हो, उसके बाद पैराग्राफ हो, और पैराग्राफ के अंदर पूरा क्या हो, पोस्ट का इंडेक्स ज़ीरो डॉट सेल्फ टेक्स्ट। सही हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब ये मैंने क्या कर दिया, एक पोस्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। मेरे पास जो डिफ बनी भी आ रही थी उसमें मैंने एक पोस्ट को प्रिंट करवा दिया। रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हैं ये क्या बकवास है, टाइटल नहीं मिल रहा है इसको। पोस्ट की स्पेलिंग तो सही लिखी है ना मैंने? हाँ लिखी तो सही है। हाँ अच्छा, अब देखो क्या सीन है। सीन ये है भाई कि शुरू में ना जब ये चलता है ना तो यूज़ इफेक्ट चलता है, रेंडर होने के बाद लास्ट में चलता है, ठीक है, जैसे एक दोस्त ने जिक्र भी किया था। तो शुरू में क्या मिलेगा मुझे, ये पोस्ट मुझे शुरू में मिलता है अनडिफाइंड, ठीक है, ये पोस्ट शुरू में मुझे क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है। तो इसके अंदर एक नलिश ऑपरेटर होता है, ये मैं लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा, जब ये अनडिफाइंड होगा तो उसको ये प्रिंट नहीं करेगा। जैसे ही ये सेट पोस्ट चलेगा तो ये कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है, तो मैं नलिश ऑपरेटर जैसे ही लगाता हूँ तो ये सही हो जाता है, ठीक है, ये मैं भूल गया था। अच्छा उसके अलावा इसमें आप टर्नरी ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये पूरा दोनों जो डिव है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर में डाल के इसको कंडीशनल बना सकते हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह राउटिंग के वक्त देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। अच्छा ये एक तो प्रिंट हो गया, अब मुझे दूसरी पोस्ट प्रिंट करवानी है, तो मैं लिखूंगा इंडेक्स वन, ठीक है, इंडेक्स वन कर दिया मैंने, ये आते हैं जी, ये दूसरी पोस्ट भी प्रिंट हो गई। अब मैं कितनी बार ऐसे करके लिखवाऊंगा, ये तो मुझे इसका कोई ऑटोमेशन ऑटोमेटिक तरीका देखना पड़ेगा। मैप लगा देना सर इस पे। हाँ इसमें क्या लगेगा, अल्टीमेटली इसमें लगेगा मैप, ठीक है, इसमें अल्टीमेटली क्या लगेगा, मैप लगेगा, क्योंकि जो एरे है ना, एरे इट्सेल्फ इसमें अलाउड है, एरे इट्सेल्फ इसमें जावास इसके अंदर जेएसएक्स के अंदर अलाउड है। कैसे करके अलाउ है, अगर मैं ऐसे करके एरे लिखूं, ठीक है, और कॉमा कॉमा, और ऐसे यहाँ पे एरे क्लोज, ठीक है, तो ये यहाँ पे अलाउड है, लेकिन किस फॉर्म में अलाउड है, जब ये जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है, जब ये किस में होगा, जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा। अच्छा अभी क्या ये जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में है, नहीं है, ठीक है, इसी वजह से ये क्या हो रहा है, स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में करने के लिए मैं ये लगाता हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ये लगाया तो ये अंदर वाली पोस्ट क्या हो गई, डबल डबल जावास्क्रिप्ट हो गई, तो ये मसला है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे मैप लिखेंगे और मैप के ज़रिए ये काम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा मैप हम कैसे लिखेंगे, इसको कट कर दिया मैंने, ये जावास्क्रिप्ट है जो हम जावास्क्रिप्ट इसके अंदर ऐसे करके लिखते हैं, मैंने कहा कि पोस्ट डॉट मैप, ठीक है, अब हर दफ़ा मुझे क्या मिलेगा, ईच पोस्ट, ठीक है, अब ईच पोस्ट के बाद मुझे क्या करवाना है, रिटर्न, इसमें मुझे रिटर्न करवाना है ये पूरा जे एस एक्स रिटर्न करवाना है मैंने, ठीक हो गया। अच्छा जब जे एस एक्स रिटर्न करवाता हूँ मैं तो एक पेरेंट होना चाहिए, ये दो पेरेंट होने की वजह से एरर दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी फ्रैगमेंट यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ गोल ब्रैकेट लगा के, जैसे मैं रिटर्न यहाँ से करवाता हूँ वैसे मैं गोल ब्रैकेट लगा के डायरेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ, सही है ना, ये सबको समझ आ रहा है ना, ई एस सिक्स का फंक्शन है ये, कि सिंगल लाइन में जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने कहा भाई एच वन, अच्छा इसके अंदर पोस्ट जीरो अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसमें, ईच पोस्ट,
ईच पोस्ट लिखूंगा अब मैं इसमें। और इस तरह करके मैंने क्या करवा दिया, तमाम पोस्ट जितने भी पोस्ट इसके अंदर मौजूद थे सबको मैंने प्रिंट करवा दिया, पूरा का पूरा प्रिंट हो गया ये जितने पोस्ट भी मेरे पास आए हुए थे। ठीक है, अच्छा अब लास्ट आप सब लोगों ने फेसबुक का कंपोनेंट बनाया था ना, याद है सब लोगों को? अच्छा तो क्या उस फेसबुक के कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ पे इनपुट, इसको क्या इनपुट चाहिए, दो इनपुट और टाइटल और सेल्फ टेक्स्ट, यही चाहिए ना इसको दो इनपुट? अच्छा मैं ज़रा जाता हूँ वो फेसबुक वाले में डायनेमिक एंड रीयूजेबल, वहाँ से कंपोनेंट उठा के ले आता हूँ उसका, उस कंपोनेंट में मैं ये वाला डेटा रेंडर करवा सकता हूँ, राइट? ठीक है, ये था ना मेरा मीडिया कार्ड और ये CSS लगी हुई थी सारी इसमें। CSS कहाँ गई इसकी, CSS की फाइल अलग थी। अच्छा वो मैंने तो बना के नहीं दिखाया था फेसबुक वाला, वो आप लोगों ने खुद ही बनाया था। वेल तो एक काम करते हैं, फेसबुक वाला ना मैं भी बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा आज। अच्छा तो मैं ये जो इसको प्रिंट करवाता हूँ ना ऐसे, अब मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा इसका एक प्रॉपर कंपोनेंट बनाऊँगा मैं इसका, मैं क्या करूँगा एक प्रॉपर कंपोनेंट बनाऊँगा और उस कंपोनेंट का मैं क्या नाम रखूँगा, उसका मैं कंपोनेंट का नाम रखूँगा पोस्ट। ये तो रूम, अच्छा रूम क्यों लिखा हुआ है, ये रूम इसका नहीं रखूँगा, इसका नाम रखूँगा मैं ऐप। ठीक है, मैंने ये जो मेन मेरा कंपोनेंट था इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ऐप कंपोनेंट नाम रख दिया। अब ऐप कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रेंडर करवाया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं इसके अंदर बजाय इसको ऐसे करने के, अब ऐसे में मैं इसको स्टाइलिंग भी दूंगा, फिर मैं क्लास भी दूंगा, काफ़ी कुछ मुझे इसको देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं इस ईच पोस्ट का ना एक कंपोनेंट बना दूंगा मैं, और मैप चला के मैं वो कंपोनेंट रेंडर करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक वाला एक कंपोनेंट तो मैं बना चुका हूँ पहले ही। अच्छा मैं, मुझे याद पड़ रहा है अभी मैंने किसी दूसरी क्लास में ना फेसबुक वाला एक कंपोनेंट बनाया था, मैं काम करता हूँ वो कंपोनेंट ना जल्दी से उठा के यहाँ पे रीयूज़ कर लेता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या था। अच्छा ये मैंने किसी दूसरी क्लास के लिए कोड लिखा था, ये तो बाय द वे आप पहले ही बना चुके हैं ये वाला, लेकिन मैं क्या करता हूँ इस फेसबुक का जो कंपोनेंट है ना ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, उठा के ले आता हूँ अपने पास में। अच्छा आ जाते हैं जी हम, ये है वो कंपोनेंट, इसको मैंने ऐसे कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने कहा न्यू विंडो और आप वाला कोड इसमें मैं न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बना हुआ कंपोनेंट है, जस्ट मैं कहीं से उठाकर इसको लाया हूँ और ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेट पोस्ट करके पूरा का पूरा मैंने उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो मेरे पास अब कितने कंपोनेंट हो चुके हैं मेरे पूरी ऐप के अंदर, मेरे पूरी ऐप के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट हो चुके हैं, एक का नाम है ऐप कंपोनेंट, एक का नाम है पोस्ट। सही है, दो कंपोनेंट है मेरे पास इस वक्त। अच्छा पोस्ट का जो कंपोनेंट है वो क्या लेता है, प्रोफाइल फोटो लेता है, नेम लेता है, पोस्ट की डेट लेता है, पोस्ट का टेक्स्ट लेता है, पोस्ट की इमेज लेता है, और इन सब चीज़ों को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। इसके अंदर क्लासेस लगी हुई हैं, स्टाइलिंग लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी CSS भी ज़रा उठा लेता हूँ मैं, ये है इसकी CSS। ठीक है, मुझे CSS भी ज़ाहिर है चाहिए होगी, तो मैं इसकी CSS को भी क्या कर देता हूँ अपने CSS में लाके, ये डार्क लाइट वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ डार्क लाइट वाले को। सही है, ये मैंने अपनी CSS यहाँ पे लगा दी किसी जगह पे। अच्छा और मुझे क्या चाहिए, एक दो चीज़ें, जैसे मूवमेंट के नाम से एक लाइब्रेरी हमने यूज़ की थी लास्ट, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है मेरे हमारे इस वाले कोड में, तो वो मूवमेंट की जो लाइब्रेरी है ना वो भी हम पकड़ के ले आते हैं ऊपर से। फॉन्ट ऑसम हमारे पास मौजूद नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने क्या कर दी, यहाँ पे भी पेस्ट कर दी। अच्छा और मुझे यहाँ से कुछ उठाना है क्या, नहीं और कुछ नहीं उठाना, तो उसको अब बंद कर देते हैं। सही है, वहाँ से मैं सब चीज़ें कॉपी कर ली जो जो करना था, उसके बाद मैंने उसको कर दिया बंद।
अब हम अपने वाले को जब रन करेंगे ना तो ये मुझे एरर देगा। ये मुझे एरर क्या देगा कि मूवमेंट के नाम से एक लाइब्रेरी आपने लिखी हुई है लेकिन वो मौजूद नहीं है मूवमेंट। तो इस मूवमेंट जेएस को मुझे इंस्टॉल करना होगा। कर लेते हैं चल के जल्दी से। सर ये मूवमेंट की लाइब्रेरी क्या कर रही है यहाँ पे? मूवमेंट की लाइब्रेरी वो टाइम उसके ज़रिए डिस्प्ले हुआ हुआ है। वो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कोड जो कॉपी करके लाया हूँ ना वो पूरा कोड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसमें किस जगह पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये फॉन्ट ऑसम करके एक लाइब्रेरी है जो आइकन्स लगे हुए हैं वो इसके अंदर जो है ना ओके फॉन्ट ऑसम डॉट कॉम। ये क्या सीन है भाई? स्लो हो रहा है इंटरनेट। खुल जा भाई आज की डेट में। एक मिनट, मुझे लग रहा है बैकग्राउंड में ना कोई चीज़ चल गई है जो ये मेरे इंटरनेट को यूज़ कर रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। खैर छोड़ो। अच्छा तो ये इंस्टॉलेशन के इंस्टॉलेशन के पार्ट में मैं आ गया किसमें? फॉन्ट ऑसम के ना। ये आप लोगों ने तो पहले से किया हुआ है इसमें कुछ लोगों ने, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको पता चल जाएगा ये। अच्छा कॉन्फ़िगर एक्सेस प्रो प्लान, प्रो प्लान इंस्टॉल योर पैकेजेस। ये रहा रिएक्ट। ठीक है, सेटअप विद रिएक्ट। सेटअप विद रिएक्ट में ना ये लाइन्स इसने कमांड्स दी हुई हैं। आपने बस क्या करना है, ये सारी कमांड एक एक करके चला देनी है, ये खुद इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ये पहली कमांड मैंने चला दी, आ जाते हैं। अच्छा कुछ में ना जैसे स्टेप नंबर टू है, इसमें इन्होंने बताया भाई फ्री वाला ये है और प्रो वाला यहाँ पर है, तो हमने फ्री वाला चलाना है, फ्री वाले को कॉपी करना है मैंने। ठीक है, प्रो वाले को मैंने कॉपी नहीं करना है, सिर्फ फ्री वाले को करना है। ठीक है, ये जो प्रो वाला बता रहा है ना, प्रो वाला, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद ये कमांड आ गई, इसको भी चला। अच्छा ये प्रो वाले आइकन हैं, प्रो वाले आइकन हमने यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री ये मैंने कॉपी कर लिया और स्टेप नंबर थ्री को भी चला दिया। अच्छा रेडी टू ऐड योर आइकन, ऐड सम आइकन। ठीक है, जैसे ही आइकन ऐड पे आया तो यहाँ पे मुझे दो लाइब्रेरी ये और बता रहा है, इन दोनों को भी चला देता हूँ मैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, एक दफ़ा ही इंस्टॉल होता है, ये दो बार बार नहीं करना पड़ता। सही है, अब एक फ्री है एक प्रो है, तो मैंने कहा कि यार अच्छा ये कोड तो मैंने ऑलरेडी वहाँ से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों लाइनें मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई, तो बस यहाँ पर मेरा काम जो है वो पूरा हो गया। अब मेरा ये कोड जो है ना चल जाना चाहिए। एन पी एम स्टार्ट अच्छा ठीक है, मेरा कोड रन हो गया प्रॉपर्ली। इसमें ये ग्रीन एरर किस चीज़ का आ रहा है? अच्छा ये की वगैरह का एरर दे रहा है। ठीक है, इसको अभी हम सही कर लेते हैं। रिएक्ट डाउनलोड रेंडर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन रिएक्ट 18, क्रिएट रूट इंस्टेड ऑफ यू एंटल स्विच द न्यू टेक। वेल छोड़ दो उसको अभी फिलहाल। अच्छा ये हमारा ऐप जो है वो चल गई। अब मैं ज़रा ये पोस्ट के अंदर ना क्या क्या कुछ हुआ हुआ है ये भी ज़रा आपको गिनवा देता हूँ कि ये क्या हुआ हुआ है। पोस्ट का आप खुद सब लोग बना चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा पोस्ट क्या लेता है? प्रोफाइल पिक्चर लेता है, नेम लेता है। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर को कहाँ पे डिस्प्ले करवाता है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको रन करके भी दिखाया था कि प्रोफाइल पिक्चर की जगह पे ना ये पिक्चर बनी हुई आ जाती है। प्रोफाइल पिक्चर के बिल्कुल सामने नाम और पोस्ट की डेट। पोस्ट की डेट किस फॉर्म में आती है? फ्रॉम नाउ वाले फॉर्मेट में आती है। ठीक है, मूवमेंट जेएस इस क्लास में हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे उस वक्त हमने यूज़ किया था फंक्शन के टाइम पे, कि मूवमेंट जेएस से हम क्या करते हैं, कोई भी टाइम इसको देते हैं और जैसे लिखा हुआ था ना फेसबुक पे कि 5 मिनट अगो और 30 मिनट अगो, तो ये वो वाला काम हुआ हुआ है। ठीक है, बीच में डेट दे देते हैं और मूवमेंट बनाते हैं, उसको मूवमेंट से कहते हैं फ्रॉम नाउ करके, उसको बता दो कि क्या हो रहा है।
ठीक है, तो जस्ट इतना सा इसमें यूज़ है इसका मोमेंट का। उसके बाद पोस्ट का टेक्स्ट आ जाता है, फिर पोस्ट की इमेज आ जाती है, और तीन नीचे आइकन है, ये फॉन्ट ऑसम के आइकन तीन लगे हुए हैं, और ये तीनों आइकन आ जाते हैं जिसके क्लिक पे फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो रेडिट से आया है, रेडिट में भी जाहिर है प्रोफाइल फ़ोटो तो है, नाम भी है, डेट भी होगी कोई ना कोई, उसका टेक्स्ट भी है, और उसकी इमेज भी कोई ना कोई हो सकती है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं करवाता था ना प्रिंट, अपने ऐप के कंपोनेंट में जो मैं ये प्रिंट करवाता हूँ, इसकी जगह अब मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, ये जो मैं फ़ोटो पोस्ट के ऊपर जो मैं मैप चला रहा था, मैप के अंदर मैं ये बात प्रिंट करवाता था, अब इसमें मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, इसमें मैं प्रिंट करवाऊँगा अब पोस्ट, ये वाला, ठीक हो गया। और ये पोस्ट डॉट टाइटल वाइटल सब मैं उसको क्या दूंगा, ऐसे पास करूँगा। तो मैंने कहा कि भाई पोस्ट, ओ सॉरी पोस्ट, एंटर, अरे ये पकड़ा नहीं इसने, चलो कोई नहीं हम हाथ से लगा देते हैं। ये मैंने पोस्ट इसको ऐसे दे दिया। अच्छा, अब ये वाला जो टाइटल था ये मैं इसको किस पे दे दूँगा, इसको मैं नेम पे दे देता हूँ मिसाल के तौर पे, पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे क्या है, सेल्फ टेक्स्ट है ना, और नेम के बाद मैं सेल्फ टेक्स्ट क्या दे देता हूँ, पोस्ट टेक्स्ट के अंदर इसको दे देता हूँ मैं सेल्फ डॉट टेक्स्ट। तो अब क्या होगा, ये पोस्ट का जो मेरा बना हुआ था ना पूरा पूरा का पूरा कंपोनेंट, ये रेंडर होगा, किस पे रेंडर होगा, जितनी पोस्ट मौजूद होगी उतनी दफ़ा ये रेंडर हो जाएगा। आगे देखते हैं ज़रा, ये रेंडर हो गया देखो। अच्छा, काफ़ी वाहियात सा रेंडर हुआ है, क्योंकि देखो फोटो इसमें मिसिंग है, प्रोफाइल फ़ोटो भी मैंने नहीं दी, हु इज़ हायरिंग और फ्यू सेकेंड्स अगो, ये तो सही लिखा हुआ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको प्रोफाइल पिक्चर को और इसको फ़ोटो को, इन दोनों को अभी हम सही कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें से आगे ना हमें ढूंढना पड़ेगा कि फ़ोटो का लिंक इन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है, प्रोफाइल फ़ोटो का। प्रोफाइल फ़ोटो का लिंक URL तो आ रहा है, एक काम करते हैं ना, हम रेडिट इनका खोल के देख लेते हैं ना क्या है, कैसे दिखाते हैं रेडिट में प्रोफाइल फोटो, दिखाते तो होंगे यार। ये सर आपके पास अगर जेसन फॉर्मेटर है एक्सटेंशन, तो वो लिंक जो है ब्राउजर में खोल दो। क्या कह रहे हैं, जेसन फॉर्मेट को ब्राउजर में खोल दो? नहीं, वो जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन है ब्राउजर की, वो जेसन का जो डेटा है ना उसको जरा साफ सुथरा करके दिखा। हाँ, वो तो जेसन ब्यूटीफायर है ना, लेकिन मैं असल में देखना चाह रहा हूँ रेडिट पे फोटो होती भी है कि नहीं होती है। होती तो है, आ रही है फोटो, लेकिन हर पोस्ट में नहीं है, कुछ पोस्ट में है, हर पोस्ट के अंदर फोटो नहीं है रेडिट के अंदर, कुछ पोस्ट में है, और वो भी ये देखो जैसे इसने फोटो डाली भी है एक, ये कौन सी वाली फ़ोटो है, प्रिपेयर योर डिजिटल मार्केटिंग ना, तो इसमें ज़रा देखते हैं जाके कि कौन से में आ रहा है। सही है, यही था ना प्रिपेयर योर डिजिटल मार्केटिंग इसका जो वो है। अच्छा, ये तो प्रोमोटेड है भाई, देखें ये ऐड आ रहा है, असल में ये ऐड है, यहाँ पे किसी ने भी फ़ोटो नहीं डाली हुई। अच्छा, इसे एक ने फ़ोटो डाली हुई भी है। अच्छा, ये क्या नाम है इसका, ये भी प्रोमोटेड है, ये भी ऐड है। एक काम करते हैं ना, हम एक पोस्ट बना देते हैं न्यू यहाँ पे, सही है, हम एक ऐड बना देते हैं पोस्ट पोस्ट फ़ोटो के साथ एक। अच्छा, मुझे शायद लॉग इन करने कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये, ज्वाइन, लॉग इन कर लेता हूँ। अच्छा, ये लो भाई लॉग इन, अरे चलो गूगल से कर लेता हूँ। अरे जा भाई, कंफर्म कंफर्म सब आ गया। अच्छा, ये मैंने ना एक फ़ोटो इसमें पोस्ट कर दी खुद से, ये फेसबुक की तरह है बिल्कुल, इमेज आर नॉट अलाउड इन React.js। अच्छा, इन्होंने इमेज अलाउ नहीं की भी है ना, जब ही तो नहीं हो रही है, इन्होंने इमेज अलाउ नहीं की भी है भाई। तो हम एक काम करते हैं, इमेज को क्या करते हैं अपने पास से हटा देते हैं इमेज को, ठीक है।
तो हम अपने कंपोनेंट्स में जाके, अगर मैं इसको यहाँ पे इमेज अगर नहीं देता हूँ, मेरे कंपोनेंट को इतना डायनेमिक होना चाहिए कि अगर मैं इमेज यहाँ पे ना दूँ तो वो इमेज को डिस्प्ले ना करें, ठीक है। इसके लिए मैं टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि इमेज जब हो जब ही इसको डिस्प्ले किया जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि भाई जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का टैग लगा दिया मैंने, मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लिखा, ठीक है, यही होता है टर्नरी ऑपरेटर। मैंने कहा भाई क्या मिले अगर आपको प्रोफाइल फ़ोटो अगर आपको मिले, सही है, प्रोफाइल फ़ोटो अगर आपको मिले तो क्या करोगे आप ये वाली चीज़ रिटर्न करवा दोगे और बाकी को मैं कट करके क्या ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ठीक है। देखो ये टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क, पहली वैल्यू अगर ये नहीं है तो नल, ठीक है। मैंने अपने इस इमेज के टैग को कंडीशनल बना दिया, इसको मैं तीन लाइनों में कर देता हूँ अलग अलग ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक हो गया। मैंने कहा टर्नरी ऑपरेटर, पहली कंडीशन अगर अगर ये ट्रू हो जाए प्रोफाइल फ़ोटो तो ये पहला वाला दिखाओ, अदरवाइज़ क्या दिखाओ, नल दिखा दो। अब देखते हैं हमारे पास वो प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो कंडीशनल हो जानी चाहिए, अब सही है। देखो हु इज़ हायरिंग लिखा पा रहा है, नीचे फ्यू सेकंड अगो लिखा पा रहा है। अच्छा इसके टाइटल को थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने टाइटल को इसके क्या कर देना है, थोड़ा बोल्ड कर देना है, अरे ये क्या हुआ, अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है ना, इस तरफ हो गई, हाँ जी ठीक है। टाइटल को मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया। अच्छा ये वाला जो फ़ोटो है, नीचे वाली फ़ोटो जो है ये वाली, ये भी उसमें आती नहीं है, तो मैं भी इसको भी क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं कंडीशनल बना देता हूँ। कंडीशनल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में क्या लिखूँगा मैं, इमेज पोस्ट, अगर इमेज पोस्ट है तो क्या करो, ये इमेज को लगा दो यहाँ पे, ठीक है। एल्स एल्स करके ना मैं ये सेकंड वाले में, मैं नल भी लिख सकता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर, ठीक है, नल वैसे लिखना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग भी लिखूँगा तो एक ही आता है। तो मैंने इस पोस्ट इमेज को भी मैंने क्या कर दिया, कंडीशनल कर दिया, जिसमें मुझे ये देखो अब इमेज वो जो ब्रेक ब्रोकन इमेज आ रही थी ना वो अब नहीं आ रही, वो सही हो गई अब, ठीक है। अच्छा इसकी जो विड्थ है ना वो मैंने जानबूझ के मैंने कम की हुई है, इसलिए ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, राइट। तो मैं इसका ओवरफ्लो वगैरह सेट कर सकता हूँ, सीएसएस में लगा सकता हूँ मज़ीद इसको सही करने के लिए। तो हमने क्या देख लिया, फ़िलहाल हमने ये देख लिया कि डेटा को इंटरनेट से फेच करके अगर लाना है तो वो मैं कैसे लाऊँगा, वो मैं लाऊँगा यूज़ इफ़ेक्ट के ज़रिए, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट को मैं ज़रा यहाँ पे ये शॉर्ट कर दिया, ये यूज़ इफ़ेक्ट है मेरा पूरा का पूरा, इसके ज़रिए डेटा फैच होके आएगा। अच्छा इसके ज़रिए डेटा फैच होके आएगा और रिटर्न के अंदर मैंने क्या करना है, उस डेटा पे मैप चला के उसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है, उस डेटा पे मैप चला के क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा और मैप चला के मैं डायरेक्ट डिव भी लगा सकता था यहाँ पे, लेकिन मैं डायरेक्ट डिव यहाँ पर अभी नहीं लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये दूसरा कंपोनेंट बना हुआ कहाँ है, दूसरा कंपोनेंट फ़िलहाल के लिए तो इसी फाइल में बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, ये रहा लेट पोस्ट, सही है, दूसरा कंपोनेंट फ़िलहाल के लिए इसी फाइल में बना हुआ है, लेकिन ये कंपोनेंट किसी दूसरी फाइल में भी हो सकता था, सही है, ये कंपोनेंट क्या हो सकता था, किसी दूसरी फाइल में भी हो सकता था, ये कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है कि ये इसी फाइल में ही हो हमेशा, ठीक है। तो अभी हमने वो मल्टी कंपोनेंट वाली ऐप अभी तक हमने बनाई नहीं है, अब इंशाल्लाह मल्टी कंपोनेंट ऐप की तरफ जब बढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखना शुरू करेंगे कि एक बना हुआ कंपोनेंट जो है, जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया था आप लोगों से कि कंपोनेंट जो होता है ना, एक कंपोनेंट एक कंप्लीट चीज़ होती है, ठीक है, हर कंपोनेंट का HTML, CSS और JavaScript वो साथ साथ लिखा हुआ होता है। लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो दो कंपोनेंट हो गए एक ही पेज के ऊपर, ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस कि एक ही पेज के ऊपर दो दो कंपोनेंट आपने बनाए हुए हो, मतलब कोडिंग के एतबार से बात हो रहा है, वैसे तो रेंडर तो ये सब साथ में ही होते हैं मिलके, कोडिंग के एतबार से अगर आपने एक ही पेज के ऊपर दो दो कंपोनेंट को लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छी ये है कि एक फोल्डर में एक कंपोनेंट हो और उसका तमाम HTML, CSS, JavaScript उसी फोल्डर के अंदर हो, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट से उसका कोई ताल्लुक ना हो। और फिर एक फाइल से दूसरी फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये अभी हमने नहीं सीखा, ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीखेंगे ये चीज़,
ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने बात बताई, इसमें किसी का कोई सवाल? हाँ ये सर जहाँ यूज इफेक्ट एंड हो रहा है इधर एक एम्प्टी एरे जो है वो पास किया जाए, ये थोड़ा पता। हाँ ये एम्प्टी एरे जो है ना, ये इंशाल्लाह हम लॉगिन साइन अप जब पढ़ेंगे ना, इसको हम मज़ीद डिटेल में उस वक्त समझेंगे। ये है डिपेंडेंसी एरे। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यूज़ इफेक्ट क्या होता है, सिर्फ जब मेरा कंपोनेंट चलता है ना, तो शुरू में एक बार चलता है, दोबारा ये कभी भी नहीं चलता। मिसाल के तौर पर मैं कहीं पर भी क्लिक करता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, ये दोबारा नहीं चलेगा। जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा ना, तो ये एक दफ़ा चलेगा बस, उसके बाद ये दोबारा कभी भी नहीं चलता। तो अगर इसको दोबारा चलाना हो, तो इसके अंदर ना डिपेंडेंसीज डिफाइन करनी होती है हमें, कि यार कब दोबारा चले। वो क्राइटेरिया बताना होता है कि दोबारा आपने कब चलना है। ठीक हो गया, तो वो क्राइटेरिया हम यहाँ पे बताते हैं, लेकिन अभी हम इसको फिलहाल इसको नहीं समझ रहे। अभी तो हम एपीआई कॉल के लिए इसको, तो एपीआई कॉल तो एक ही दफ़ा होता है ना, शुरू में ही होता है, बार बार तो नहीं होता। ठीक है, या बटन के क्लिक पे होता है। तो फिर हम जो बटन के क्लिक पे जब एपीआई कॉल होगी, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि अच्छा यार कैसे करके आपको करना है। ठीक है, अच्छा। सर ये यूज इफेक्ट जो है ये एपीआई कॉल करवाने के लिए यूज होता है ज्यादातर। हाँ, एपीआई कॉल करवाने के लिए मेनली यूज़ होता है, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि शुरू में आपको एक दफ़ा करवाना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे ठीक, शुरू में नहीं, एंड में। अच्छा। तो अब हम आते हैं, ज़रा और आगे चलते हैं। सही है, ये तो हमने पूरा डिस्कवर कर लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम ना एक काम करते हैं, हमारे पास टाइम तो अभी काफ़ी है। हम एक काम करते हैं, हम वेदर ऐप ना मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ बल्कि। सही है जी, अच्छा कैसे बनाऊंगा न्यू ऐप? क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और ऐप का नाम मेरे क्या है? वेदर ऐप। अच्छा, वो एन पी एक्स नहीं लिखा मैंने, एन पी एक्स, और साथ में मुझे सूडो भी लिख दिया। ठीक हाँ, सूडो भी लिख दिया मैंने, एंटर। चलो भाई, ये एक मेरी एक नई ऐप बन रही है, जिसका नाम है वेदर ऐप। अभी ये ज़रा कम्प्लीटली बन जाए, तो फिर हम नई ऐप में नए सिरे से करेंगे। अच्छा, इतने में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि यार देखो ये फंक्शन है ना। जी एक मिनट, ये मैं बात ज़रा कंप्लीट कर लूँ, फिर आप सवाल पूछिएगा। जैसे ये देखें, फंक्शन है, फंक्शन हमने जावा स्क्रिप्ट में पढ़े थे कि भाई ES6, ये फंक्शन ES6 का तो नहीं है। ES6 में तो एरो फंक्शन होते हैं, तो अगर इसको एरो फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा? वो भी इसमें परफेक्टली फाइन काम करते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रहे होते हैं। तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन के कीवर्ड को हटा दूंगा, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे एरो लगा दूंगा आके। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे करके बना दूंगा। ये क्या बन गया अब ये बन गया ES6 का एरो फंक्शन। सही है, बिल्कुल समझ आ रही है ये वाली बात, ये ES6 का एरो सर। फंक्शन बन गया है। इसमें सर एक थोड़ा कंफ्यूजन है। जी अच्छा, इसमें आपने रिटर्न यूज किया हुआ है, रिटर्न यूज किया हाँ, है रिटर्न मैंने हाँ। यूज़ किया हुआ है इसमें, लेकिन चाहे आप तो रिटर्न का कीवर्ड भी ना लगाएं, लेकिन सिंगल लाइन में फिर रिटर्न होना चाहिए। वो उसमें फिर कंफ्यूजन है कि आपने ये जो यूज इफेक्ट वाला पोर्शन है ना, ये रिटर्न से पहले यूज करना होता है, वो जो आर्टिकल ये बता रहा है। हाँ, यूज़ इफेक्ट तो पहले लगेगा ना, रिटर्न के बाद जो कोई भी चीज़ लिखेंगे वो काम नहीं करती फिर। हाँ लेकिन अगर हमारे फंक्शन में हमने रिटर्न लिखा ही नहीं है तो उसमें फिर थोड़ा सा नहीं, तो असल में रिटर्न अगर नहीं लिखा ना, तो पहली लाइन ही रिटर्न होती है। अगर आप इसके अंदर रिटर्न नहीं लिखेंगे और पहली लाइन में गोल ब्रैकेट लगाएंगे, तो आप यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, रिटर्न उस केस में लगता है, वो जो गोल ब्रैकेट जो है ना रिटर्न की जगह, सिर्फ उस केस में लगा सकते हैं जहाँ पे आपको ये कुछ भी नहीं करना, अंदर डायरेक्ट रिटर्न करवाना है पहली ही लाइन में। तो इसमें क्लियरली पहली लाइन में रिटर्न तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें पहली लाइन में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा अच्छा, है। ये बिगनर बिगनर जो है रिएक्ट के, वो रिटर्न वाला फंक्शन यूज करें तो बेहतर हाँ है। हाँ रिटर्न वाला देखें, यहाँ पे तो रिटर्न ही आपको यूज़ करना है, यहाँ पे तो रिटर्न को हटा नहीं सकते आप। लेकिन मैप के अंदर जैसे देखें, आप मैप के अंदर आप नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे रिटर्न यहाँ पे लिख रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गोल ब्रैकेट नहीं होती, भी कर्ली ब्रैकेट होती है, लेकिन क्या किया हुआ है यहाँ पे, मैंने उसको ओमिट कर दिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है। मेरा ख्याल है कि बिगनर और एक्सपीरियंस से फ़र्क नहीं पड़ता, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है ना, पहले दिन से ही आपको वही करनी चाहिए, तो उसमें सही रहता है। यार ये बार बार न्यू ऐप बनाने में इतना टाइम पता नहीं क्यों लगाता है। अच्छा, तो खैर बताने का पॉइंट ये था कि आप कहीं पर भी जहाँ पे आपको, जैसे देखें ये वाला जो फंक्शन है, ये जो कंपोनेंट है, देखिए लेट पोस्ट इक्वल्स टू, और उसके आगे एरो फंक्शन बना हुआ है जो मैंने दूसरी जगह से कॉपी किया है। ठीक
ठीक है। और इसके अंदर आप ये भी नोट करें कि रिटर्न का कीवर्ड है ही नहीं इसके अंदर, गोल ब्रैकेट लगी हुई है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर यूज़ इफेक्ट या किसी किस्म का कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं बन रहा। अगर मुझे इसके अंदर यूज़ इफेक्ट लगाना होगा ना, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, गोल ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा मुझे, उसके बगैर फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इस गोल ब्रैकेट को हटा के मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा और उसके अंदर मुझे फिर यूज़ इफेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा नया वाला वो बन के तैयार हो गया जी। कोई क्वेश्चन कर रहा था प्लीज़ वो क्वेश्चन कर लीजिए। सर मैंने ये किया है पर मेरे पास एरर आ रहा है, आप देख लें। हाँ जी दिखा दें। अपने कोड को इंडेंट करें, आप इंडेंट नहीं हुआ आपका कोड। ये लाइन नंबर 30 और 31 को हटा दीजिएगा, ज़रा रिमूव कर दें कम्प्लीटली, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये लाइन नंबर 30 के अंदर जो आप ब्रैकेट रह गई है ना, इसका शुरू वाला मिटा दें, शुरू वाला जो है, शुरू वाला एंगल ब्रैकेट पहला, लाइन नंबर 30 का जो पहला है, 30 30 30, ये आपने 31 का हटा दिया। नहीं 31 का नहीं हटाना था उसको, कंट्रोल जेड, हाँ 31 पे लगेगा। ये सर इन्होंने डिप भी यूज़ करा हुआ है, रिएक्ट फ्रैगमेंट भी यूज़ करा हुआ है। ये फ्रैगमेंट भी हटा दें ऊपर से, या तो दोनों को फ्रैगमेंट बना दें या तो दोनों को डिप बना दें। ये फ्रैगमेंट हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल आपको, क्योंकि आपने डिव लगाया हुआ है ना। अच्छा ये सही हो गया। अब ये जो पोस्ट डॉट मैप के अंदर जो है ना, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ईच पोस्ट डॉट टाइटल डॉट मैप। सर लाइन नंबर 29 पे फ्रैगमेंट क्लोज हो रहा है। फ्रैगमेंट नहीं, ये तो पोस्ट क्लोज हो रहा है ना, पोस्ट जो है ये कंपोनेंट है पोस्ट का, जो ये क्लोज हो रहा है ना इस पर। अरे वो लाइन नंबर 28 पे भी एक लगा हुआ है ब्रैकेट, उसको हटा दें ज़रा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, हाँ लास्ट में इसको हटा दें बस, सही हो गया ये, चल गया। अभी भी कोई दो एरर आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट गालबन लगी हुई है आपकी, सही हो गया। अभी भी एक एरर है इसमें। ज़रा उस पे जाएं, ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पे ये एरर का मैसेज प्रिंट किया होगा इसने, चल आकर देखें। हाँ कह रहा है मूवमेंट इज़ नॉट डिफाइन, ये ऊपर आपने इम्पोर्ट नहीं की है सारी चीज़ें मूवमेंट वगैरह। चलें ये आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, बल्कि मैं कोड पुश भी कर रहा हूँ तो वो आप ना उसमें से देख के कर लीजिएगा। मैं कोड ये पुश कर देता हूँ सारा का सारा। हाँ ठीक है जी। तो अब हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं ना यहाँ पर, अब हम जो वेदर की ऐप अभी बनाने लगे हैं उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो हमने नई वाली चीज़ें सीखी हैं जितनी भी। यार ये वेदर ऐप कहाँ चली गई, अभी तो बन गई थी। ओ फेल हो गया ये, सॉकेट टाइम आउट लिखा हुआ आ गया इसमें। चलो दोबारा चलाते हैं फिर इसको।
सर पासवर्ड मांग रहा है ये। हाँ मैंने देखा नहीं था, अभी देखा मैंने। चल जा भाई आज की दुनिया में। फिर फेल हो गया, ये क्या सीन है यार। चला चला चला, अब की बार चला है आगे। तीन दफ़ा करके चलाना होता है उसको, एक दफ़ा करके चला दे। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, सिक्स डॉट वेदर ऐप। अच्छा वेदर ऐप के साथ रिएक्ट भी लगा देता हूँ, रिएक्ट वेदर ऐप। अच्छा ये मैं वेदर ऐप क्यों बना के दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जैसे रेडिट की API थी ना, उसमें ख़ुद से कॉल हो जाता था, यूज़ इफेक्ट के ज़रिए वो ख़ुद से कॉल होता था। लेकिन अभी हमारे पास वेदर ऐप में क्या होता है, क्लिक के ज़रिए कॉल हो रहा होता है वो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सिनेरियोज़ हैं कि एक में हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे तो ख़ुद से वो चल जाता है, और दूसरा सिनेरियो क्या है एक अदद कि आप जब क्लिक करेंगे बटन पे तब वो चलेगा। अच्छा लास्ट हम क्या करते थे कि हम सारी फाइलों को डिलीट करके ना हम इंडेक्स डॉट जे एस पे आके काम करते थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा ये रिएक्ट का बॉयलर प्लेट है, ठीक है। अच्छा अभी इंडेक्स डॉट जे एस के फाइल में ना हुआ हुआ क्या है ज़रा ये देख लेते हैं। अच्छा आप देखें क्या किया हुआ इसने, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। अच्छा आर्टिकल में जो उसने बोला हुआ ना रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट, वो ना थोड़ा पुराना हो गया, अभी नया वाला है क्रिएट रूट, उसका वो एरर भी दे रहा था ब्राउज़र पर, आपने देखा होगा। तो इसने जो है ये यहाँ पे क्या करवाया हुआ है, ऐप के नाम से एक कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करवाया हुआ है, सही है। ऐप के नाम से ही कंपोनेंट बनता है, जो मेन कंपोनेंट है तो ऐप के नाम से बनता है। वो ऐप का कंपोनेंट इंपोर्ट कहाँ से किया हुआ है, एक दूसरी फाइल में से इंपोर्ट किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डॉट स्लैश ऐप। तो ये कचरा जो है ना सारा ये यहाँ पे रहने देते हैं, और हम जाके डायरेक्ट इस ऐप के कंपोनेंट में काम करते हैं, राइट। आते हैं हम जी ऐप का, अब ऐप का कंपोनेंट जो है वो ऐप डॉट जे एस के नाम से, ठीक है। ये देखो ये पूरा एक कंपोनेंट है, कंप्लीट कंपोनेंट। शुरू दिन में तो ये नहीं बताया था मैंने, लेकिन अब हमें प्रॉपर इसके ऊपर काम करना है जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ होता है। अच्छा इसमें इंडेक्स डॉट जे एस भी रहेगा और ऐप डॉट जे एस भी रहेगा। हाँ इंडेक्स डॉट जे एस को अब हम छेड़ेंगे नहीं, वो तो हेलो वर्ल्ड कर रहे थे ना हम, इसलिए हम उसको हटा देते थे, ठीक है। तो ऐप डॉट जे एस जो वो मेन फाइल होगी हमारी। अब यहाँ पर आके अगर मैं लिखता हूँ इसको कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लास विलास हटा देता हूँ इस पर से, तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही काम करेगा क्योंकि ये बॉयलर प्लेट है और इन्होंने बहुत सोच समझ के ये बनाया है बॉयलर प्लेट। अच्छा ये अभी रन नहीं किया हुआ ना मैंने, इसको रन कर देता हूँ ना। सीडी क्या है, सिक्स वेदर ऐप, ठीक है। npm स्टार्ट, npm स्टार्ट करूँगा ना तो ये सही प्रॉपर चल के सामने आ जाएगा मेरे पास। सर आपने यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट नहीं करवाया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे रिएक्ट इम्पोर्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, यही तो बेनिफिट है। देखो असल में रिएक्ट को जो इम्पोर्ट करवाते थे हम लास्ट में, उससे करते क्या थे ज़रा ये भी तो देखो ना। आते हैं वापस पहले वाले कोड में।
अब ये जो रिएक्ट को मैंने इम्पोर्ट करवाया है, इस रिएक्ट से हम करते क्या थे, कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया कि ये रिएक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है आगे, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ये रिएक्ट ना लास्ट में देखो रिएक्ट डॉम से डॉट रेंडर होता है, ये वाला चक्कर है। तो ये रेंडर करवाने के लिए मुझे ये रिएक्ट डॉम और रिएक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवा रहा, यहाँ पे तो रिएक्ट कहीं यूज़ ही नहीं हो रही ना, तो रिएक्ट को इम्पोर्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमारा कंपोनेंट कितना क्लीन है ये वाला, आप नोट कर रहे हैं, तो हमारा कंपोनेंट काफ़ी क्लीन है ये। और हमने करना क्या है, कंपोनेंट को बनाने के बाद हमने उसको रेंडर नहीं करवाना, हमने उसको एक्सपोर्ट करवा देना है, जो कि पहले से हुआ हुआ है। एक्सपोर्ट हमें कराने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, तो ये तो पहले से हुआ हुआ है। और ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से app.js की फाइल से, ये इम्पोर्ट कौन इसको करता है, यानी यहाँ से हमने बाहर जाने की इजाज़त दे दी उसको, तो इसको मंगवाता कौन है अपने पास, मंगवाता है इसको ये index.js अपने पास। ये देखो ये मंगवाया इसने, और मंगवा के क्या किया इसने, यहाँ पे रेंडर करवा दिया, और रेंडर करवाने के लिए रिएक्ट और रिएक्ट डॉम इसकी ज़रूरत थी, तो यहाँ पे इम्पोर्ट इसको करवाना पड़ा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा ऐप का कंपोनेंट है, ये मेरा क्या है, ऐप का कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरी मेन ऐप होगी। मैं यहाँ पर भी अपना कोई कंपोनेंट नहीं बनाऊँगा, मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, अपना कोई कंपोनेंट नहीं बनाऊँगा मैं यहाँ पर। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर बनाऊँगा नया, इस src के अंदर क्या करूँगा, मैं एक अदद फोल्डर बनाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड compo components, ठीक है। अब कंपोनेंट्स के अंदर जो है काम किस तरह से होगा, कंपोनेंट के अंदर एक एक फोल्डर बनता जाएगा, और हर फोल्डर के अंदर एक कंप्लीट कंपोनेंट होगा। तो सबसे वेदर ऐप के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा, हमारा उसमें सबसे पहला कंपोनेंट होगा होम का, ठीक है, होम पेज होगा जो उसका एक्चुअली, ठीक है। तो होम पेज का जो हमारा कंपोनेंट होगा ना, उसका एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, मैंने कहा होम, ठीक है। और क्या होगा इसमें, अबाउट भी होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो मैं एक अबाउट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो दो फोल्डर हो गए मेन मेरे। अच्छा अब होम के अंदर मैं क्या करूँगा, होम के अंदर मेरे पास एक होगा, होम के अंदर मेरे पास होगा एक अदद और फोल्डर, क्योंकि मेरे होम पे कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे, नंबर एक होगा मेन कंपोनेंट, और नंबर दो होगा मेरे पास जो विजिट्स होंगे हमारे वो होंगे, ठीक है। तो होम के अंदर मैं क्या बना लूँगा, एक वेदर कार्ड के नाम से एक फोल्डर बना लूँगा, वेदर कार्ड, या मैं चलो इसको रूट पे ही बना लेता हूँ फिलहाल, तीन अलग अलग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ जाए, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इतना कम ही रखते हैं इसको, मैं कह देता हूँ वेदर कार्ड, ठीक है। मैंने रूट पे तीनों को लाइन से रूट पे बना दिया, आप इसको चाहें तो एक दूसरे के अंदर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे पहले होम पे आता हूँ, और होम पे आने के बाद मैं करूँगा क्या, होम पे आने के बाद मैं बिल्कुल ऐसा एक कंपोनेंट वहाँ पर बनाऊँगा होम का, सही है। होम पे मैं आया, होम पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले बनाना है index.jsx, एंटर, सही है। इंडेक्स मैंने इसका नाम क्यों रखा है, अभी ये पता चल जाएगा, इम्पोर्ट करवाने में आसानी होती है इंडेक्स नाम रखने से, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसकी css बनानी है मुझे, मैं न्यू फाइल बनाऊँगा, मैं कहूँगा index.css, ठीक है। ये होम का कंपोनेंट पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा इंडेक्स पे आकर मैं जो JSX है इस पे आके मैंने क्या बना दिया, कंपोनेंट बना दिया। इस कंपोनेंट का नाम क्या रखूँगा मैं, इस कंपोनेंट का नाम रखूँगा मैं, जाहिर है क्योंकि होम है तो इसका नाम भी होम रखूँगा मैं कंपोनेंट का। सर ये आपने पूरा फंक्शन उठा के कॉपी करा है, अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते तब भी ये कंपोनेंट दोबारा बनकर आया था। शॉर्ट फॉर्म कैसे होती है मुझे नहीं पता, RAFCE। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, अभी मैं लिख के देखता हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, वेदर कार्ड में जाके लिखता हूँ, मैंने कहा कि यार index.jsx। अच्छा क्या बताया शॉर्टकट तुमने, RAFCE। ये सर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हुई, एक्सटेंशन छोड़ो, एक्सटेंशन वाली चीज़ नहीं करते हम फिलहाल अभी, ठीक है। मैंने तो ये हाथ से बना दिया इसमें। अच्छा और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, वेदर कार्ड में भी एक बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया वेदर कार्ड, सही है।
वेदर कार्ड रख दिया। अच्छा इसमें मैंने टेक्स्ट लगवा दिया आई एम वेदर कार्ड, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया आई एम वेदर कार्ड। और जो होम वाला था कंपोनेंट, इसको मैंने बोल दिया कि भाई आई एम होम, आई एम होम कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर उसका नाम प्रिंट करवा दिया मैंने जस्ट। अब ये जो होम कंपोनेंट है, ये जो मेरा होम का कंपोनेंट है, ये जो ऐप है ना मेरी, ये जो मेरी ऐप है, इसके अंदर भी क्या प्रिंट होता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। मैं इसमें बोलूँगा यहाँ पे ना होम को लाके प्रिंट, यानी ज़ाहिर है पहला पेज जो खुलेगा मेरी ऐप में वो होम खुलेगा, राइट। मैंने कहा इम्पोर्ट कराओ, किसको कराओ इम्पोर्ट, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश होम में से, ठीक है। मैंने कंपोनेंट स्लैश होम लिखा है क्योंकि होम के अंदर ना इंडेक्स डॉट जे एस एक्स मौजूद है। अगर मैं इंडेक्स नाम नहीं रखता ना तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, फाइल का भी नाम लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इंडेक्स इसमें स्लैश होम तक दे रहा हूँ, उसके आगे नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं आके जब ऐसे कंट्रोल क्लिक करूँगा ना तो मुझे यहाँ पर क्या बना हुआ आ जाएगा, होम का जो कंपोनेंट है ना वो बना हुआ आ जाएगा। यार क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट। अच्छा डिफ़ॉल्ट किया हुआ है एक्सपोर्ट में, सही सही डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। होम को मैंने क्या करवा लिया, यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लिया। अच्छा एग्जैक्टली जो है ना नाम आपका, जब आप डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट करवाते हैं ना, यहाँ पे नोट करें आप, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और होम करके लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप ऐसे करके इम्पोर्ट करवाते हैं तो आपको क्या होता है कि किसी भी नाम से आप इम्पोर्ट करें ना, ये इस जगह पे आप ए बी सी भी लिख दें, कोई भी चीज़ लिख दें तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट हमने देखा है सिर्फ, अभी बगैर डिफ़ॉल्ट वाला जो होता है वो भी देख लेंगे, मौका मिलेगा हमें। तो मैंने होम को यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लिया। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या करवा दो आप, होम को रेंडर करवा दो, ठीक है। होम को मैंने यहाँ पे रेंडर करवा दिया। हाँ सर, जैसे आप खुद इम्पोर्ट कराते हैं ना इसमें, हाँ, होम को, तो वो रेंडर कराते ना तो खुद इम्पोर्ट हो जाता है वो। अच्छा तो एक्सप्रेशन शो होता है, एक्सटेंशन वाली चीज़ें हम करेंगे थोड़ा अभी, मगर उसको अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं अभी। अच्छा इसी तरह होम है ना, होम के साथ साथ एक अबाउट होगा मेरे पास, अबाउट में भी मुझे क्या चाहिए, मुझे यही दोनों चीज़ें अबाउट में भी चाहिए। ठीक है, अबाउट में भी चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे अबाउट को भी क्या करवा लिया, इम्पोर्ट करवा लिया, सही है। और मैं क्या करूँगा, अबाउट को भी यहाँ पे रेंडर करवा दूँगा। होम और अबाउट को क्या मैं सेम टाइम पे रेंडर करवा दूँगा, नहीं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं कंडीशन लगाऊँगा, मैं देखूँगा कि पेज का यूआरएल क्या है, स्लैश अबाउट है तो अबाउट प्रिंट करवाऊँगा, लेकिन वो राउटिंग में होता है। तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, कॉमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी सिर्फ होम को प्रिंट करवाया है, अभी अबाउट को प्रिंट नहीं करवाया है मैंने। ये सबको समझ आ रही है बात, कि कैसे कंपोनेंट, दो तीन कंपोनेंट बन चुके हैं अब वो हम। अच्छा अब एक तो कंपोनेंट बन गया होम, एक बन गया अबाउट। ये वेदर कार्ड का जो कंपोनेंट था ना, वेदर कार्ड का जो कंपोनेंट था, ये अभी मैंने कहीं पे ना इंपोर्ट करवाया ना इसको इस्तेमाल किया है। अब मैं होम के अंदर चला जाता हूँ ज़रा, कि होम के अंदर मुझे बनाना क्या है, होम के अंदर मैंने बनाना है एक अदद कंप्लीट वेदर ऐप, जो होम के पेज पर जो भी ए पी आई से डेटा गेट होता है वो सब काम मैं यहाँ पर करूँगा अब। तो मैंने यहाँ पर अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर करना है इम्पोर्ट यूज़ इफेक्ट। अच्छा नहीं, यूज़ इफेक्ट की तो फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, वो तो क्लिक पे करूँगा ना मैं। हाँ मुझे एग्जियोस चाहिए होगा यहाँ पे, इम्पोर्ट एग्जियोस फ्रॉम एग्जियोस, ठीक है। एग्जियोस मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो npm i एग्जियोस को मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। एग्जियोस इंस्टॉल हो गया दोबारा से, ये मेरा कोड बिल्कुल परफेक्टली चल गया, बिल्कुल सही चल गया। अच्छा होम के कंपोनेंट पे अब मैंने क्या करना है, मैंने एक फॉर्म बनाना है, सही है। होम के ऊपर एक फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। अब ये जो आई एम होम कंपोनेंट था ना, इसमें मैं बड़ा सा लिखूँगा H1 लगा के कि भाई होम, उसके नीचे मैं बनाऊँगा एक अदद फॉर्म, ठीक है। अच्छा फॉर्म के बाद में क्या बनाऊंगा इसके साथ, मैं बोलूंगा कि यार एक अदद मुझे चाहिए इनपुट, और सिटी नेम
इनपुट है टेक्स्ट और उसके बाद एक आदत होगा बटन और गेट वेदर, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होगा, बटन की टाइप होगी इसकी सबमिट। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल है फॉर्म में और तो कुछ नहीं है। अच्छा अब होगा मेरे पास एक आदत ऑन सबमिट। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि हमारे पास ऑन सबमिट जो HTML पे होता था ना उसमें पूरा स्मॉल लेटर से होता था, इसमें कैमल केस में है। ठीक है, नाम चेंज है इसको, यानी इसको नज़र में रखना ज़रूरी है। अच्छा अब आप नोट करें कि इसमें ऑन सबमिट के ऊपर मैं क्या देता हूँ, इसको मैं JavaScript पास करता हूँ और मैं फंक्शन का जस्ट इसको नाम दूंगा। तो मुझे यहाँ पे एक आदत क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अलग से। तो मैंने कहा लेट सबमिट हैंडलर इक्वल्स टू अ फंक्शन, ये मैंने ES6 का एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अच्छा ES6 का मैंने एरो फंक्शन बना दिया और अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे करना ये होगा कि सबमिट के बटन पे जो भी काम होता है ना वो इसके, मैं कंसोल फिलहाल करा देता हूँ कि IM क्या है, IM सबमिट हैंडलर फंक्शन, राइट। मैंने सिर्फ इसमें फ़िलहाल के लिए ये कंसोल करवा दिया कि अगर ये फंक्शन सबमिट का चल जाता है तो क्या लिखा हुआ आ जाए, ये बात लिखी हुई आ जाए। ऑन सबमिट के अंदर हम पहले क्या देते थे, ऐसे फंक्शन पास करते थे और उसको कॉल कर देते थे। रिएक्ट में हमें इसको कॉल नहीं करना है, ठीक है। रिएक्ट में इसको कॉल कौन करेगा, रिएक्ट खुद करेगा जब रिएक्ट को लगेगा कि उसको कॉल करना चाहिए। तो मैंने क्या देना है, सिर्फ फंक्शन का नाम देना है, ऑन सबमिट का एस कैपिटल है, ये नाम रखना है जहन में। अच्छा और हम प्लेन HTML में इसको देते थे एज एट्रीब्यूट, ऐसे देते थे, ठीक है। अब हमें ऐसे नहीं देना, अब हमें इसको JavaScript करके देना है, पूरा फंक्शन एज इट इज़ पास होगा। तो ये फंक्शन अगर ऑन सबमिट पे ये फंक्शन अगर चल जाता है तो इसका मतलब है स्क्रीन पे ये कॉन्सोल जो है आ जाना चाहिए। अच्छा इसमें मैं कहता हूँ भाई ये ना रिक्वायर्ड भी है, जब तक ये भरा ना जाए उसको ये आप नहीं कर सकते मतलब। और प्लेस होल्डर मैंने एक लगा दिया, मैंने कहा एंटर योर सिटी नेम, सही है, मैंने प्लेस होल्डर भी लगा दिया इसके ऊपर। सर ये एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे जी, ये जो आपने कंपोनेंट बनाया है या जो फंक्शन है इसमें रिटर्न के अंदर हम वो चीज़ लिख रहे हैं जो ब्राउजर पे रेंडर होनी है। हाँ वो सब चीज़ें। हाँ और जो रेंडर नहीं होनी है वो रिटर्न से पहले लिखें। जी सही है, चल ये कंप्लीट कंपोनेंट है और हमेशा रिटर्न जो करेगा ना ये JSX करेगा और रिटर्न आखिर में ही लिखा जा सकता है। फंक्शन के अंदर रिटर्न पहले नहीं लिखा जा सकता, रिटर्न सबसे आखिर में आता है फंक्शन में, तो इसलिए हम बाकी चीज़ें पहले लिख रहे हैं, रिटर्न हम बाद में लिख रहे हैं। क्योंकि रिटर्न का कीवर्ड देखिए अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ना इस जगह पे, तो ये नीचे वाले कोड में ना एरर आ जाएगा, ये बोलेगा अनरीचेबल कोड, आप देखें अनरीचेबल कोड मेरे पास हो रहा था ना कि ये कभी पहुँचेगा ही नहीं यहाँ तक, ये जब रिटर्न हो गया तो फंक्शन ख़त्म वहीं पर, उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं फिर। अच्छा वेदर ऐप होम लिखा हुआ आ गया, एक फॉर्म बना हुआ आ गया, सबमिट का बटन बना हुआ आ गया, उसमें रिक्वायर्ड आ गया। अब आते हैं जी अपने पेज पे, हम ये हमारा पेज अभी तक बन के कुछ इस तरह का दिख रहा है। अच्छा अब मैं इसको सबमिट का बटन दबाता हूँ तो ये एरर भी मुझे देता है, ठीक है। ये एरर मुझे क्या देता है कि भाई आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तभी ये सबमिट होगा। मैंने कहा कराची, ठीक है, और गेट वेदर का बटन दबाया, ठीक है। अब गेट वेदर का जैसे ही मैंने बटन दबाया तो आप नोट करें कि पेज मेरा रिफ्रेश हो गया, कुछ भी लिखा मैंने गेट वेदर पेज रिफ्रेश लिखा, गेट वेदर पेज रिफ्रेश, ये क्या सीन है भाई, ठीक है। अच्छा उसमें तो हम ऐसे सेमी कॉलन लगा के लिख देते थे रिटर्न, इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें मिलेगा यहाँ पे एक आदत ई, इवेंट मिलेगा हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रीवेंट डिफॉल्ट, और इसको मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट एक्टिविटी को रोक देता है। अच्छा रिटर्न फॉल्स जो हम लिखते थे ना वो सेम चीज़ थी लेकिन इसका शॉर्टकट था, वो हम शॉर्टकट में लिखते थे तो यहाँ पे वो चीज़ हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे हमें इसी तरह लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या स्टिल ये पेज को रिफ्रेश कर रहा है, कराची और गेट वेदर, अब ये पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा। आप नोट करें जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये कॉन्सोल आता चला जा रहा है और पेज रिफ्रेश मेरा नहीं हो रहा है। तो ये पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए ना ये काम आपको करना पड़ता है, रिएक्ट के अंदर कोई भी सबमिट पे आप लगाते हैं ना तो उस पर ये लगाना पड़ता है। अच्छा अब ऑन सबमिट के ऊपर आपको क्या करना है, वैल्यू उठानी है इस इनपुट बॉक्स के अंदर से। वो आप कैसे उठाएंगे, वो उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके होते हैं,
हमारे पास, या तो मैं इसको आईडी दे दूं, आईडी के जरिए उठा लूं। लेकिन रिएक्ट में इसका एक दूसरा बेहतर तरीका है। वो तरीका क्या है कि इसमें मैं क्या लगा दूं, एक ऊपर वेरिएबल बना दूं, स्टेट वेरिएबल। मैंने कहा कि यार कॉन्स्ट सिटी नेम कॉमा सेट सिटी नेम, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। और शुरू में मैं इसका नाम क्या रख दूँ, शुरू में मैं कह दूँ कि भाई नल है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखवा दिया मैंने। अच्छा, यूज़ स्टेट इम्पोर्ट नहीं हुआ है तो मुझे यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, यूज़ स्टेट को मैंने ऊपर इम्पोर्ट करवा लिया तो अब मुझे एरर देना बंद कर दिया। अब क्या एरर दे रहा है, ये सिटी नेम इज़ डिक्लेयर्ड बट दिस वैल्यू इज़ नेवर यूज। अच्छा, वो तो अभी करेंगे ना यूज़, अभी करते हैं इसको यूज़ दो मिनट में। अच्छा, सेव का बटन दबा दिया इसको मैंने। अब आगे हमने क्या करना है इसमें। अच्छा, तो ये एक स्टेट वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को डायरेक्ट इस स्टेट वेरिएबल से कनेक्शन बना सकता हूँ उसका। इस डायरेक्ट स्टेट वेरिएबल से जब मैं कनेक्शन बना दूंगा उसका, तो जो भी कुछ बंदा लिख रहा होगा ना, वो डायरेक्टली इस स्टेट वेरिएबल में मिल रहा होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं इसको कैसे करवाऊंगा कनेक्ट में, मैं आऊंगा ज़रा इनपुट के अंदर, थोड़ी जगह बना लेता हूँ मैं, सही है। ये मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट का पूरा एक ही टैग है ये। इस पर मैं लगाऊँगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा चेंज हैंडलर, ठीक है। या तो फंक्शन का नाम लिख दूं, या फंक्शन पूरा बना भी सकता हूं यहां पे। मैं फंक्शन यहीं पे बना लेता हूं, चलो ठीक है। सबमिट में तो मैंने अलग से बना के नाम दे दिया ना, यहां पे मैं यहीं पर बना देता हूं। अच्छा, यहीं पर बनाऊंगा तो इवेंट भी यहीं पर मिलेगा, ठीक है। आप सब लोग ये जानते हैं कि जब ऑन चेंज का इवेंट चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, या जैसे ऑन सबमिट में इवेंट मिलता है, इसी तरह ऑन, तो ऑन चेंज में जो भी चीज़ टेक्स्ट बॉक्स में लिखी जा रही होती है वो हमें कहाँ मिलती है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इसको मैं कॉन्सोल करा लेता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, कि जो भी कुछ ऑन चेंज में बंदा लिख रहा होता है वो यहाँ पे मिल रहा होता है। देखते हैं ज़रा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको क्लीन किया मैंने, अब यहाँ पे आके जो मैं जो भी बात लिख रहा हूँ, देखो ये ऑन चेंज के फंक्शन में ना ये मुझे बात मिल रही है, सही है। रिमूव किया, ए ए लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ वो एक बार चल जाता है। तो मैंने बोला कि ऑन चेंज पे क्यों ना मैं ये करूँ, मैं बोलूँ सेट सिटी नेम, सेट सिटी नेम, और उसमें क्या रखवा दिया जाए, वही बात जो अभी लिखी हुई है इसके अंदर, सेट सिटी नेम में रखवा दिया मैंने। तो क्या होगा कि जब भी बंदा सबमिट का बटन प्रेस करेगा तो सेट सिटी नेम में वो चीज़ होगी जो बंदे ने लिखी हुई है अभी, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑन सबमिट के ऊपर मुझे क्या करना है, सिटी नेम में जो कुछ भी है डायरेक्ट उसको एपीआई पे भेज देना है, मुझे उसको वैल्यू को उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही इसका कनेक्शन इस वेरिएबल के साथ बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा एक्जियोस डॉट गेट, और डॉट गेट के अंदर इसका वो URL लगा दूंगा जो मैं गेट करता हूँ। URL हमने वो फोरकास्ट वाला किया था ना लास्ट, कौन सा किया था हमने, चलो उसके ओपन वेदर API की वेबसाइट से डायरेक्ट उठा लेते हैं। ओपन वेदर API के ना डायरेक्ट उठा लेते हैं जाके फोरकास्ट वाला। प्राइसिंग, प्राइसिंग से जाता हूँ मैं हमेशा इसके अंदर, ठीक है। प्राइसिंग में जो ये 5 डे का जो फोरकास्ट है ना, ये उठाना है मैंने। अच्छा, ये है इसकी API। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं बैकटिक में लिखता हूँ, बैकटिक में लिख रहा है इसलिए ताकि वो टेम्पलेटिंग करने में मुझे आसानी हो, ठीक है। बैकटिक करके मैंने लिख दिया। अच्छा, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला मैंने नहीं मंगवाना, मैंने मंगवाना है क्यू वाला, क्यू इक्वल्स टू, और उसके अंदर जो भी सिटी का नाम होगा मेरे, तो मैंने कहा सिटी नेम बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। ऐप आईडी भी मुझे निकालनी पड़ेगी ना, यहाँ से कहाँ से मिलती है ऐप आईडी, माई API कीज़ यहाँ से मिलती है। ओ भाई, लॉगिन करवाएगा मेरे से ये। अच्छा, मैंने कहा कि भाई इसको कॉपी कर दो, कैसे होगी कॉपी, है हाँ ये कॉपी किया मैंने और ऐप आईडी की जगह पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई कुछ,
अच्छा, और एक चीज़ उसको और भी देनी पड़ती है हमें, जिससे वो केल्विन में वरना दे रहा होता है। यूनिट्स इसको देना पड़ता है ना हमें, यूनिट्स हमें इसको मैट्रिक देना पड़ता है, वरना क्या करता है ये इक्वल टू, वरना वो केल्विन में देना शुरू कर देता। तो ये पूरी एपीआई की मेरी कॉल क्या हो गई, बन के तैयार हो गई। मैंने कहा डॉट देन, ठीक है, डॉट देन कर दिया मैंने। अच्छा, और अच्छा बाय द वे, हम तो वो एसिंक वाला कर रहे थे ना, अब तो, अभी ये देन वाला तो हम नहीं करते, अब हम इसको बोलेंगे अवेट। ठीक है, एसिंक अवेट वाला कर रहे थे हम तो। और फंक्शन से पहले हम क्या लगा देंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये एसिंक फंक्शन है। ठीक है, एसिंक फंक्शन बता दिया हमने, नो प्रॉब्लम। हमने कहा ये फंक्शन एसिंक है और अवेट वाला काम हम होगा हमारा। ठीक है, अवेट वाला काम होगा। अवेट से क्या होगा, मैंने कहा लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स में अवेट आ गया। ठीक है, इसमें देन वैन नहीं लगता। अच्छा, इसको लगाने का सही तरीका ये है कि ट्राई कैच में इसको लिखा जाए। ठीक है, इसको ट्राई में लिखा जाए और कैच के अंदर इसका एरर हैंडल किया जाए। कॉन्सोल डॉट लॉग एरर इन एपीआई कॉल। और एरर को यहाँ प्रिंट भी करवा दिया जाए। ठीक है, तो अगर एरर होगा तो ये डायरेक्ट कैच वाले ब्रैकेट में चला जाएगा, हमें ट्राई के अंदर फिर सारा काम करना है बाकी का। अच्छा, अब हमने आगे क्या लिखा, हमने कहा कि रिस्पॉन्स जो भी आया है उसको क्या कर दो, स्क्रीन पे उसको प्रिंट करवा दो। कॉन्सोल डॉट लॉग और स्क्रीन पे क्या कर दो आप, ये रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दो। ठीक है, अब देखते हैं कि वो बटन के क्लिक पे वो रिस्पॉन्स इस पर क्लिक होता है या नहीं होता। कट, रिफ्रेश द पेज और कराची, एंटर। ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्स आ गया, स्क्रीन पे प्रिंट भी हो गया। रिस्पॉन्स में से डॉट डेटा को मुझे अलग करना है, डॉट डेटा के अंदर सारा कुछ है जो भी है, और डॉट डेटा के अंदर है लिस्ट। ठीक है, डॉट डेटा डॉट लिस्ट, सही है, ये देखो डॉट लिस्ट आ गई। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से जो चाहिए चीज़ वो चाहिए रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लिस्ट। मैंने कहा कि भाई लेट माई डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लिस्ट, यही है ना। अच्छा नहीं, एक डेटा और भी है ना अंदर, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट लिस्ट, ऐसे करके होगा। तो ये वो लिस्ट है, वो एरे है जो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और स्टेट वेरिएबल बना लूँगा। इसमें क्या लिखूँगा मैं, डेटा, डेटा लिख देता हूँ मैं, सही है। और इसमें लिखूँगा मैं सेट डेटा। ये कौन सा वाला डेटा है जो मुझे एपीआई से वापस रिस्पॉन्स में आ रहा होगा, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दूंगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही होगा एरे, सही। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ये एरे। तो मैंने माई डेटा में रखवाने के बजाय इसको क्या रखवाऊंगा, मैं बोलूँगा सेट डेटा, सेट डेटा में रखवा दूँ। अच्छा, ये ख़ास तरह का जो वेरिएबल है सेट डेटा, इसके अंदर जो भी कुछ स्टोर होता है वो स्क्रीन पे डायरेक्ट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, सही है। अगर मैं लेट करके कोई सिंपल सा वेरिएबल बनाता ना, यूज़ स्टेट वाला वेरिएबल नहीं बनाता, तो जब ये वेरिएबल अपडेट होता तो वो स्क्रीन अपडेट नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल वेरिएबल में रखने के बजाय स्टेट वेरिएबल में रखा है। एक रिएक्ट का एक ख़ास तरह का स्पेशल वेरिएबल है जो कहलाता है स्टेट वेरिएबल, उसके अंदर रखवाया है। तो अब जब ये डेटा स्टेट वेरिएबल में जा चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेटा के ऊपर मैप चला के उसको यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा सकता हूँ मैं, राइट। तो मैं फॉर्म के नीचे आता हूँ, और फॉर्म के नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक अदद में डिव बना देता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं बोलता हूँ क्या चलेगा, डेटा डॉट मैप चलेगा। ठीक है, ईच फोरकास्ट, यही मिलेगा ना मुझे हर दफ़ा, क्या मिलेगा मुझे, एक एक फोरकास्ट मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई फोरकास्ट का डिव बनाओ। यार ये क्या हो गया, सजेशन देना बंद कर दी इसने अचानक। वेल चलो हाथ से लिख लेते हैं।
ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा कि भाई ईच फोरकास्ट डॉट क्या करवा दो प्रिंट स्क्रीन पे, क्या क्या आता है मेरे पास, लिस्ट के अंदर आता है डॉट डॉट मेन डॉट टेम्प आता है, ठीक है, मैंने कहा मेन डॉट टेम्प आता है, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कहा भाई प्रिंट करवा दो तमाम तमाम की तमाम। रिफ़्रेश कर दिया मैंने स्क्रीन को, मैंने कहा कि कराची और गेट वेदर है, लिस्ट क्यों नहीं मिल रहा इसको, कह रहा है लिस्ट मिल नहीं रहा, डेटा डॉट एल आई एस टी सही तो है, डेटा डॉट लिस्ट यही तो लगाया हमने, और क्या लगा दिया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लिस्ट, ओ सॉरी ये डेटा एक दफ़ा ही है, दो दफ़ा नहीं है, ये मैंने बाई मिस्टेक दो दफ़ा डेटा डेटा लिख दिया, सही है, एक दफ़ा ही था वो। अच्छा ये देखो तमाम टेम्परेचर ना लाइन से प्रिंट हो गया, ऐसा तमाम टेम्परेचर क्या हो गया, लाइन से प्रिंट हो गया ये। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने तो बाकायदा पूरा कार्ड बनाना है ना, वेदर का पूरा कार्ड बनाना है मैंने, मैंने तो ऐसे नहीं करना प्रिंट। अच्छा तो काम करते हैं, चलो फिर मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये कार्ड ऐसे बना दो आप, ठीक है, इसमें एक होगा एच वन, एक एच वन होगा जिसमें क्या होगा ऐसे टेम्परेचर लिखा हुआ होगा, और उसके नीचे एक एक डिव और होगा जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा होगा, ईच फोरकास्ट डॉट मेन डॉट टेम्प अंडर स्कोर मेन है राइट, और टेम्प अंडर स्कोर मैक्स है, सही है, टेम्प अंडर स्कोर मिन और मैक्स आ रहा होगा, मिन लिखा मैंने डैश डाला और ये सी पूरे को मैंने कॉपी किया दोबारा और मैंने कहा मैक्स, ठीक है, इसके नीचे मिन मैक्स आ रहा होगा, और इसके टॉप पे क्या आ रहा होगा, इसके टॉप पे लिखा हुआ आ रहा होगा एक टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा कि कब का डेटा है, ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी क्या हो चुका है, ये अभी ये 27 आ गया और ये मिनिमम मैक्सिमम आ गया इसके नीचे, ठीक है, अब मुझे ऊपर की साइड पे दिखाना है कि ये टाइम कौन सा वाला है, जो जो कौन से दिन का डेटा है ये, ठीक है, तो मैं इसको टाइम तो मुझे मिलता है बाय द वे इसके अंदर डीटी करके और डीटी अंडरस्कोर टेक्स्ट करके मुझे टाइम मिलता है इसके अंदर, मैंने कहा कि यार इसको पहले क्या करो आप ईच फॉरकास्ट डॉट मेन है, डॉट मेन के अंदर है बाहर है, डॉट मेन से बाहर ही है, तो बस डायरेक्ट मुझे ये मिल जाता है DT underscore, लेकिन ये टेक्स्ट ना उतना अच्छा विजिबल नहीं है जितना होना चाहिए, और ऊपर से फिर ये सारे चपके हुए आ रहे हैं आपस में, मुझे ऐसा चपका हुआ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए अब, मुझे फेसबुक जैसा प्यारा सा कंपोनेंट चाहिए एक, ठीक है, तो मैंने कहा चलो यार हाथ से तो उसको मैंने फिलहाल अभी डिस्प्ले करवा दिया, इसमें कितना डेटा है, एक दो तीन चार पाँच, ये काफ़ी सारा डेटा है इसके अंदर, तो क्यों ना मैं ये करूँ कि मैं यहाँ पे आके एक और वेदर कार्ड के नाम से एक अदद क्या बना दूँ, एक अदद कंपोनेंट और बना दूँ मैं, ठीक है, आई एम वेदर कार्ड, और इसके अंदर क्या भिजवा दूँ, एक्सपोर्ट तो ये हुआ भाई यहाँ से, मैंने होम पे इसको इम्पोर्ट किया, मैंने कहा इम्पोर्ट और मैंने कहा डॉट स्लैश डॉट डॉट्स, अब मुझे एक फोल्डर पीछे जाना है ना, तो डबल डॉट स्लैश होता है वेदर कार्ड और बस, ठीक है, वेदर कार्ड तक लिखना है मैंने, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेदर कार्ड, ठीक है, ये वेदर कार्ड यहाँ लिखा मैंने, और नीचे वेदर कार्ड को मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले करा देता हूँ, बजाय इसको मैं ऐसे लिखने के, मैं इसको अब क्या करूँगा, इसको मैं इसको मैंने रोक दिया, और इस पूरे डिव की जगह पे मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ वेदर कार्ड में, ठीक है, वेदर कार्ड को डिस्प्ले करवा दिया मैंने, और ये तमाम चीज़ें जो मैं इसको देता था एज अ पैरामीटर देता, अच्छा एक चीज़ आपने बाई द वे नोट की होगी शायद, ये मुझे ना एक एरर भी देता है इस पर, इसको मैं वापस चला रहा हूँ रोक के, ये मुझे ना इस पर एक एरर भी देता है, ये मुझे बोलता है कि
ये मुझे बोलता है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, सही है ना? ये इसको बाय द वे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका जो मैप चलाते हैं ना जब, तो मैप के अंदर जो ये पेरेंट कंपोनेंट है जो सिंगल, इसको ना की करके आपको एक चीज़ देनी होती है, और वो की करके ना कोई भी यूनिक चीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई जैसे इसमें ना कॉमा डाल के आपको इंडेक्स मिलता है, तो आप इसको इंडेक्स पास करवा देते हैं, ठीक है? ओ सॉरी, इंडेक्स आप इसको पास करवा देते हैं, ठीक है? तो आपको ना यूनिक इसको एक की देनी पड़ती है, तो ये इससे एरर ये वाला हट जाता है। अगर रिफ्रेश किया मैंने, कराची लिखा, गेट वेदर किया, वो देखो वो वाला एरर हट गया, ठीक है? तो ये यूनिक की इस वजह से एरर दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं इसको, इवन दो देखो हर किसी का ये टेक्स्ट अलग होगा ना, मैं इसको ये भी दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? मतलब वो हर लूप चलने पे ना ये चीज़ अलग आनी चाहिए ये की वाले में, तो भी एरर मुझे नहीं देगा। मैंने रिफ्रेश किया दोबारा से, यहाँ पे कराची लिखा, एंटर किया, देखो वो एरर नहीं आया, ठीक है? तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ वापस से। अब ये वाले को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं वेदर का कार्ड डिस्प्ले करवाऊंगा हर लूप चलने पे। तो इस वेदर के कार्ड में भी जो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले की देनी पड़ेगी मुझे, और की के नाम पे मैं क्या दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ या इंडेक्स दे देता हूँ। चलो इसमें भी मैं इंडेक्स तो इसमें मिलेगा ना मुझे हर दफ़ा, ठीक है? तो ये इंडेक्स मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ। तो ये मुझे यूनिक चीज़ सबसे पहले इसको देनी थी। अच्छा, अब मुझे वेदर के कार्ड में और क्या क्या देना है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे अभी तक दे चुका हूँ ना वही चीज़ें मुझे देनी है दोबारा से। सबसे पहले मुझे क्या देना है इसको, डेट इक्वल्स, और ये दे दिया मैंने, ठीक है? और मुझे क्या देना है, टेम्प, सही है? और उसके बाद मैंने देना है मिन, उसके बाद देना है मैंने मैक्स, ठीक है? तो अब वेदर कार्ड को ना मैंने ये पांच पैरामीटर दे के मैंने बोला जाओ भैया बैश करो, ये पांच पैरामीटर मैंने इसको दे दिया और वेदर कार्ड को मैंने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है? अच्छा, अब वेदर कार्ड में क्या लिखा हुआ है, आई एम वेदर कार्ड, ये पांचों पैरामीटर मिलते तो हैं इसको यहाँ पे, लेकिन ये लिखा हुआ क्या है इसके अंदर, इन्होंने लिखा हुआ भाई आई एम वेदर कार्ड। वेदर कार्ड के अंदर जो भी पैरामीटर आते हैं उसमें से किसी को भी डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ, तो यहाँ डिस्प्ले क्या हो रहा है, आई एम वेदर कार्ड, आई एम वेदर कार्ड चिल्लाया जा रहा है, ठीक है? देखो वेदर कार्ड ही वेदर कार्ड बोल दिया इसने। तो ये जो ये पांच पैरामीटर जो यहाँ पे मिले हुए हैं इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वेदर कार्ड के अंदर जाकर डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, ये पांचों पैरामीटर मैंने यहाँ पे पकड़ लिए। अब इन पांचों पैरामीटर को मुझे क्या करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे करके प्रिंट करवाऊंगा वो मेरा मसला है। एक मैंने डिव ले लिया, फिर मैंने बोला एक H1 होगा। अच्छा, एग्जैक्टली वही चीज़ होगी जो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखी हुई है, चीज़ वही होगी ये भी, ठीक है? वो एग्जैक्टली यही चीज़ होगी जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवानी है, ठीक है? लेकिन फिर जाहिर है इसका CSS होगा, इसकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने हैंडल करना है उसको। इस गोना भी कम्प्लीट कम्पोनेंट, ठीक है? ये की हटा दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये ईच फोरकास्ट करके मुझे ज़रूरत नहीं है, की को क्यों दिया मैंने, ठीक है? डेट, सबसे पहले डेट यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रिंट करवा दिया मैंने, मिन, और मैक्स, ठीक है? देखो कितने अच्छे से प्रिंट हो गया। अब मैंने इसके ऊपर लगानी है CSS, ऑफ कोर्स मैंने इस पर CSS लगानी है, क्लास नेम, सही है, कार्ड, ठीक है? क्लास नेम मैंने इसका कार्ड रख दिया। अब इस कार्ड को लेकर मैं क्या करूँगा, जो भी CSS पे लगानी होगी वो मैं इस कार्ड नेम को लेकर लगाऊँगा। वेदर के अंदर कोई CSS की फाइल नहीं है तो बना लेते हैं इंडेक्स डॉट CSS, एंटर, ठीक है? मैंने कहा डॉट कार्ड। अब इस कार्ड के ऊपर जो भी CSS लगेगी ना वो हम यहाँ सारा लगा रहे होंगे,
ठीक है, ये कार्ड है। अभी ज़रा इसको हम देखते हैं डिस्प्ले। देखो अभी सेम वही चीज़ डिस्प्ले हो गई जो पहले वहाँ से हो रही थी, जो डायरेक्ट में ये बात लिखता था तो भी वही होता था, अभी मैं कंपोनेंट के ज़रिए लिख रहा हूँ तो भी वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये वेदर कार्ड जो है ये अब डेडिकेटेड कंपोनेंट है अब ये, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इस डेडिकेटेड कंपोनेंट के ऊपर मैं स्टाइलिंग लगाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो कार्ड के ऊपर मैंने क्या लगाना है जी, इसके ऊपर रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी लगा के दिखाएं। हाँ, रिएक्ट बूटस्ट्रैप अभी करेंगे, अभी ज़रा कंपोनेंट की हायरार्की आज हम समझ रहे हैं। आज कोशिश करते हैं हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप लगा लें इसके ऊपर। अच्छा, तो पहले मैं इसके ऊपर लगाता हूँ भाई बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, सही है। ये मैंने बॉर्डर लगा दिया इसके ऊपर, तो देखो बॉर्डर भी यहाँ जाना चाहिए। ओए क्यों नहीं आया, क्या बकवास है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया हुआ ना मैंने CSS को, सही है, CSS की फाइल को इम्पोर्ट नहीं किया हुआ था। ये बॉर्डर बन के आ गया। अच्छा, अब मैंने उसको बोला कि भाई बॉर्डर का क्या कर दो आप, बॉर्डर रेडियस 30 pixel, बॉर्डर रेडियस गोल हो गया। मैंने कहा भाई आप कर लो मार्जिन, कर लो आप 20 pixel, ठीक है, पैडिंग कर लो आप 20 pixel। ये बिल्कुल सेट होता जा रहा है, आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता कैसे सेट होता जा रहा है बिल्कुल ये। अब इस पर कलर वलर जो जो चीज़ें लगानी है वो लगा सकते हैं हम। अब देखो ये टाइम लिखा हुआ है ना, अब ये टाइम मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये टाइम मुझे चाहिए कि वेनसडे, थर्सडे या 9 PM, 10 PM ऐसे करके चाहिए। अच्छा, इसके साथ सेंटीग्रेड नहीं लगा हुआ, वो सेंटीग्रेड भी मुझे लगाना पड़ेगा। आ जाते हैं ज़रा सेंटीग्रेड कॉपी कर लेते हैं कहीं से, ये सेंटीग्रेड ना यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ जाके बोलता हूँ कि टेम्प के साथ क्या लगा दो, सेंटीग्रेड भी लगा दो। हाँ भाई, कुछ बेहतर हो गया अब। अच्छा, अब हमें इसको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर भी देना है। आ जाते हैं जी, बैकग्राउंड कलर देते हैं हम इसको। हमने कहा कि भाई वाइट, स्मोक वाइट कर दो, ठीक है, वाइट से थोड़ा सा डार्क है ये, ठीक है, स्मोक वाइट कर दिया। अब ये टाइम जो है इसका मुझे कुछ करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मूवमेंट JS की ज़रूरत होगी इसके लिए, ठीक है। मूवमेंट JS इंस्टॉल कैसे होगा, npm install movement -- save, कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे आके रोका इसको और मूवमेंट को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। मूवमेंट मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं था, इसको इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करने के बाद वापस npm start चला दिया। यहाँ पे आके अब मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट इम्पोर्ट मूवमेंट फ्रॉम मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट को हमने इम्पोर्ट कर लिया। अच्छा, ये जो डेट है अब इसको मैं कैसे डिस्प्ले करवाऊँगा, इसको अब मैं मूवमेंट बना के डिस्प्ले करवाऊँगा। मूवमेंट डॉट डॉट करके फॉर्मेट होता है इसमें एक, राइट, और फॉर्मेट में क्या होता है, MM क्या होता है पता नहीं, आवर होता है और AMPM होता है, इस तरह करके होता है। ये रहा 18 PM कर दिया ना इसने। अभी इसका ज़रा फॉर्मेट हम देख लेते हैं, यहाँ पे डॉक्स में इन्होंने बताया हुआ है, जैसे आप राइट नोट कर रहे हैं कि जैसे अगर मैं फॉर्मेट ऐसा वाला टाइम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ ना, September 15, 2022, तो मुझे ये फॉर्मेट का कोड लिखना पड़ेगा। सिर्फ थर्सडे चाहिए तो 4D लिखना पड़ेगा, सेप्टेम्बर ऐसे चाहिए, मुझे चाहिए वेनसडे 9 PM, थर्सडे 9 PM ऐसे करके चाहिए मुझे। तो थर्सडे तो पता चल गया 4D लिखने से आएगा, आज वो 4D लिख देते हैं, ठीक है, 4D लिखा तो थर्सडे आ गया, थर्सडे और PM आ गया। अब 9 कैसे आएगा, कौन से वाले से आएगा वो, सिर्फ H लिखने से जो है ना 9 आ जाएगा मेरे पास, सिंगल H लिखा मैंने और A मिला दिया उसके साथ, ठीक है। देखो थर्सडे 6 PM, थर्सडे 9 PM, थर्सडे 12 AM, 3 AM, 9 AM, ये पूरा आ गया मेरे पास प्रॉपर लिखा हुआ। यही चाहिए था मुझे एग्जैक्टली, जो आ गया मेरे पास बना हुआ, राइट। इसमें किसी को कहीं कन्फ्यूजन, कोई
कोई ऐसी चीज़ जो इसमें समझ में ना आई हो अभी तक? नहीं नहीं सर सर। अच्छा तो हम ना कंपोनेंट्स की हायरार्की समझ रहे हैं फिलहाल के लिए अभी। अच्छा दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे कंपोनेंट की हायरार्की है कैसे। सबसे पहले कोड मेरा शुरू होता है index.js से। index.js पे एक ऐप का कंपोनेंट लगा हुआ है। ऐप का कंपोनेंट ये ऐप की फाइल से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, ठीक है। .app ये app.js। अब मैं इसमें जाता हूँ, इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक होम का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। और होम का कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, component/home के फोल्डर में है वो। कंपोनेंट का फोल्डर ये रहा, इसके अंदर होम का फोल्डर ये रहा, इसमें index.jsx के नाम से एक फाइल है, सही है, उसके अंदर ये होम का पूरा कंपोनेंट होम का ये बना हुआ है। इस होम के कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, ये डेटा गेट करता है वेदर का, ठीक है। किस पे करता है, सबमिट के बटन के क्लिक करने पे करता है। ये पेज लोड होते ही नहीं करता फौरन, ये सबमिट का बटन क्लिक होगा जब करता है। सबमिट का बटन क्लिक होने पर जब ये वेदर का डेटा गेट करके लाता है और ला के कहाँ रख देता है, इस अपने स्टेट में रख देता है। ये होम क्या करता है, अपने स्टेट में इसको रख देता है। और अपने स्टेट में रखने के बाद क्या करता है, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है मैप चला के। और जितनी दफ़ा स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है, असल में वो एक कार्ड को डिस्प्ले करवाता है, वेदर कार्ड को, ठीक है। अब ये वेदर कार्ड क्या चीज़ है, ये एक तीसरा कंपोनेंट है जो कि कहाँ से आ रहा है, वेदर कार्ड के फोल्डर से आ रहा है, ठीक है, जो कि एक पीछे है, एक बैक गया और फिर वेदर कार्ड। तो वेदर कार्ड के अंदर हम आ जाते हैं, ये वेदर कार्ड है, इसको कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं और उसको ये डिस्प्ले करवा देता है, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सा काम है ये। अच्छा एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे ज़रा वो लगा के दिखा दें, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है ना, ये जो कार्ड हमने बनाया हुआ है, ऐसे कार्ड रिएक्ट बूटस्ट्रैप में भी मौजूद हैं। तो हम ज़रा वही लगा लेते हैं जल्दी से, अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कार्ड हम लगा लेते हैं। अच्छा रिएक्ट बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड, राइट। और गेट स्टार्ट करने के बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इसकी इंस्टॉलेशन की कमांड है, आ जाता हूँ मैं, रोका मैंने, पेस्ट किया, इंस्टॉल हो गया ये। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, ऐसे बटन वटन जो भी कंपोनेंट है उसको इम्पोर्ट करना है, ठीक है। और इम्पोर्ट करके क्या करना है उसको, सर ये बूटस्ट्रैप रिएक्ट बूटस्ट्रैप डिफरेंट है, तो हमें फ़र्क है क्या कोई? हाँ फ़र्क है ना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप कंपोनेंट की सूरत में होती है। अच्छा ठीक है, कंपोनेंट की सूरत में चलती है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसको मैं वापस npm स्टार्ट चला देता हूँ इसका। अच्छा तो अब मुझे ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन अभी लगाना है ना, कहाँ पर लगाऊंगा मैं वो बटन मैं लगा देता हूँ होम के ऊपर। यहाँ पे एक बटन है ना, ये बटन है मेरा, इस बटन की जगह मैं क्या लगा दूंगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन। देखो मैंने इम्पोर्ट कर लिया, और इम्पोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस बटन को यहाँ पे लगा दूंगा, सही है। ये बटन कौन सा वाला है, देखो ये वाला बटन है। आगे देखते हैं बटन चेंज हुआ कि नहीं हुआ हमारा, अरे बटन चेंज नहीं हुआ, वो CSS नहीं लगाई ना हमने अभी तक इसकी। रिएक्ट बूटस्ट्रैप की एक CSS भी होती है, ये रही। एक मिनट, ये CSS हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। अच्छा ये CSS मैं इंडेक्स के अंदर आके ना इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, index.js में। चल गया, हाँ चल गया। ये CSS की एक फाइल है, इसकी ना ये एक दफ़ा इंपोर्ट करवानी होती है, तो वो मैंने इंडेक्स में इंपोर्ट करवा ली एक ही दफ़ा। तो ये मेरी रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है ना वो चल पड़ी। अच्छा इसके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स भी है, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स भी मैं उसी का लगा दूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम से ना ये पूरा एक बना हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट सारे वही हैं, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, और रिएक्ट के हिसाब से थोड़ा बेहतर है, आसान है। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्सेस कहाँ पर होंगे, फॉर्म के सेक्शन में होंगे। फॉर्म 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 कहाँ चलो ये यार, अच्छा ये फॉर्म ये रहा, ठीक है। इसमें ये इनपुट बॉक्सेस मौजूद हैं, ये पूरा पूरा फॉर्म बना हुआ मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। इसमें से कोई अच्छा सा हम उठाते हैं फॉर्म और ले जाके अपने पास चिपका देते हैं। ठीक है ये देखो, इस तरह करके आप लगा सकते हैं। सेलेक्शन बॉक्सेस हैं, इनपुट ग्रुप्स हैं,
ठीक है, फॉर्म कंट्रोल तमाम यहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने। रेंज है, रेंज क्या होता है, ये स्लाइडर होता है कि आप इसको स्लाइडर करके कुछ भी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसको ऐसे इंपोर्ट करना है जैसे यहाँ पे बताया हुआ है और ऐसे करके इसको लगा देना है, ठीक है, फॉर्म डॉट रेंज करके। अच्छा, हमारे केस में मुझे चाहिए इनपुट बॉक्स ना फॉर्म कंट्रोल से। ये मेरा इनपुट बॉक्स है, ईमेल एड्रेस के लिए बनाया हुआ है इन्होंने ये, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपने पास लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, इनपुट हम कैसे लगाते थे, हम इनपुट लगाते थे ऐसे करके ना। अब इनका इनपुट देखो कैसे करके लगता है, इनका इनपुट लगता है इस तरह, फॉर्म डॉट ग्रुप और उसका क्लास नेम बता दिया, और फॉर्म डॉट लेबल और फॉर्म डॉट कंट्रोल, और कंट्रोल का जो टाइप है वो ईमेल है। अच्छा, हमारे केस में टाइप जो है वो टेक्स्ट है, ईमेल नहीं है, ठीक है। प्लेस होल्डर हमने क्या लगाया हुआ था, प्लेस होल्डर हमने लगाया हुआ था एंटर योर सिटी। अच्छा, अभी देखो ये सब ना एरर दे रहा है, ये सब एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि फॉर्म को मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन के साथ कॉमा लगा के ना फॉर्म को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो अब ये एरर सारे देखो ख़त्म हो जाएंगे। सही है, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब हम आकर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये बूटस्ट्रैप वाला ना ये बना हुआ आ रहा है पहले से, ठीक है। अच्छा, इसमें ये लेबल में लगा हुआ है ईमेल एड्रेस, तो मैं लेबल में क्या लगा देता हूँ, लेबल में लगा देता हूँ सिटी नेम, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब मुझे इस नीचे वाले इनपुट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिक्वायर्ड नहीं लगा हुआ, इसमें रिक्वायर्ड भी लगा देता हूँ, टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड, क्या कर दिया मैंने, ये रिक्वायर्ड लगा दिया इसके ऊपर, और रिक्वायर्ड के बाद ये ऑन चेंज वाला पूरा जो कोड था ना मेरा, ये भी मैंने इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जाहिर है अभी ऑन चेंज इस पर चलेगा, मेरे वाले पे नहीं चलेगा, और मैंने अपना जो इनपुट बॉक्स था पूरा का पूरा उसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अपना वाला इनपुट बॉक्स मैंने पूरा का पूरा कमेंट कर दिया और इनका वाला ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सिटी नेम पूरा ना ये रिएक्ट वाला बनकर आ गया जैसा वहाँ पे लिखा हुआ था। अब मैं कराची लिखूँगा, गेट वेदर दबाऊँगा तो ये नीचे सारे कार्ड बने हुए आ गए। अब मैं इस कार्ड की जगह पे भी चाहता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कार्ड अगर आ जाए, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई कार्ड जैसी चीज़ कुछ है। कंपोनेंट्स के अंदर गया, टेबल टेबल टूल टिप टोस्ट, कार्ड्स ऊपर रह गया, हाँ ये रहा कार्ड्स, ठीक है। तो कार्ड कुछ इस तरह का है इनके पास, कार्ड टाइटल कार्ड, हमें इस तरह का नहीं चाहिए भाई। अभी हमें इस तरह का कार्ड नहीं चाहिए जैसा इनके पास है भाई। अभी कैरेजल, कैरेजल कैसा है इनके पास, चलो पहले ये कार्ड में लगा के दिखा देता हूँ कि ये लगेगा कैसे। बहुत आसान है इसको लगाना, ये देख रहे हो ये पूरा कार्ड का पूरा कंपोनेंट है। कॉपी किया इसको मैंने, और कॉपी करके मैं वेदर कार्ड में आता हूँ, अपने वाले जेएसएक्स को थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ, और इनका कार्ड मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कार्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको बोलता हूँ आगे कि क्या करो आप, इम्पोर्ट कार्ड फ्रॉम क्या था, रिएक्ट बूटस्ट्रैप था, हाँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने उठा लिया वहाँ से। अच्छा, ये बटन भी मुझे उठाना पड़ेगा, बटन भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें, बटन भी उठा लिया मैंने, ठीक है। कार्ड और बटन दोनों इसमें इस्तेमाल हो रहा था। तो अब जब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं यहाँ पे कराची लिखूँगा और सर्च का बटन दबाऊँगा, तो देखो यहाँ पे जितने कार्ड थे ना उतने कार्ड बने हुए आ गए। अब इसमें कार्ड टाइटल है, एक्स वाई जी जो भी चीज़ है, मैं उसकी जगह पे अपना टेक्स्ट लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये मूवमेंट का फॉर्मेट करके कहाँ पे लगा दिया, कार्ड के टाइटल में लगा दिया, ठीक है। तो ये कार्ड के टाइटल में फ्राइडे 6 AM आ गया। अच्छा, इसके नीचे जो ये बड़ा सारा टेक्स्ट है इसको मैंने क्या कर दिया, इसको हटा के मैंने यहाँ पे ये टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है, टेम्परेचर लिख दिया मैंने, तो ये ऐसे टेम्परेचर यहाँ बना हुआ आ गया। अच्छा, इसके ऊपर एक इमेज है, इमेज तो मेरे पास है ही नहीं, इमेज को मैंने, अच्छा बल्कि इमेज है मेरे पास ना, इमेज भी मुझे मिलती है इसके अंदर। वेल, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इमेज को हटा देता हूँ। फिर नीचे एक बटन है इसके, तो मैं बटन की जगह ना एक और क्या बोलता हूँ कि कार्ड का ही टाइटल ही आ जाए एक और, ठीक है। और इस वाले टाइटल में मैं इसको क्या बोल देता हूँ, जो मिनिमम मैक्सिमम वाला काम है ना वो करवा देता हूँ।
ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, तो मेरे पास कुछ सेम सा सिमिलर कार्ड बना हुआ आ गया काइंड ऑफ। मेरे पास कुछ सिमिलर कार्ड बना हुआ आ गया, रिएक्ट बूट स्ट्रैप से मैंने ये मंगवाया। ठीक है, अच्छा रिएक्ट बूट स्ट्रैप में अब जो है ना इसकी जो शुरू में थीम्स बीम्स हैं कौन सी हैं वो यार इसका वो थीम कैसे चेंज होता है, वेल छोड़ो कैसे चेंज होता है, कार्ड में वापस आते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड हमने जो है ना वो रिएक्ट बूट स्ट्रैप से कार्ड बना लिया और उसको हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा वेरिएंट टॉप, वेरिएंट प्राइमरी, वेरिएंट प्राइमरी, ये रहा कार्ड स्टाइल में जो है ना ये रहा बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर के नाम से आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर मैं इसको कैसे दूंगा कार्ड को, मैं इसको दूंगा प्रॉप्स के ज़रिए। नोट कर रहे हैं आप, इसको मैं कैसे दूंगा बैकग्राउंड कलर प्रॉप्स के ज़रिए दूंगा मैं, और बैकग्राउंड कलर के लिए मैं बी जी बोलूँगा इसको ना, सही है, बी जी करके बोलूँगा मैं इसको, सही है। और मैं बी जी करके इसको बोल देता हूँ, मिसाल के तौर पे डेंजर बोल देता हूँ तो रेड हो जाएगा ये कार्ड। कार्ड मैंने कहा बी जी इक्वल्स टू डेंजर, तो इसको रेड हो जाना चाहिए, देखो ये रेड हो गया खुद से ही। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना इस कार्ड की भी, वो आप कैसे पास करते हैं, वो आप प्रॉप्स के ज़रिए पास करते हैं, राइट। और प्रॉप्स के ज़रिए पास करने का अब नतीजा ये होता है कि वो रिएक्ट में थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। अच्छा ये है सिर्फ बॉर्डर्स, बॉर्डर वाला अभी रेड किया हुआ है, बॉर्डर को क्या किया हुआ है डेंजर किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक सक्सेस भी होगा ना बॉर्डर का, सक्सेस ये वाला, तो मैं बॉर्डर को अगर सक्सेस लगाना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे दूंगा, मैं इसको दूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो मैं इसको पास कैसे करूंगा, मैं बॉर्डर प्रॉप्स के ज़रिए पास करूंगा। इससे पहले जो रिएक्ट होती थी उसमें क्या करना होता था, उसमें हर चीज़ के लिए क्लास ही होती थी ले देंगे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर चीज़ के लिए क्लास नहीं है बल्कि ये प्रॉप्स के ज़रिए काम करेगा। बॉर्डर सक्सेस, तो ये अंदर से रेड होगा लेकिन साइड से ये क्या है, साइड से ये ग्रीन है। ठीक है, अंदर वाले को मैं प्राइमरी कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है ना प्राइमरी कर देता हूँ ताकि वो, अरे यार प्राइमरी तो और भाई आते, बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है। बंदा लिख ले, हाँ नहीं तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, किसी को बूट स्ट्रैप ज़्यादा सही लगती है, किसी को जो है ना ये ज़्यादा सही लगती है। अच्छा ये एरर किस बात का है भाई, सर आप बताएं कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है, बूट स्ट्रैप या खुद की लिखी हुई सीएसएस? बूट स्ट्रैप का फ़ायदा ही नहीं है। देखो असल में बूट स्ट्रैप का फ़ायदा ना अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बूट स्ट्रैप बहुत बेसिक लाइब्रेरी है, लेकिन मिसाल के तौर पे जब आपको पूरी पूरी टेबल, जैसे अभी अगर मैं टेबल की बात करूँ, इसमें ना टेबल पूरी बनी हुई है ऐसे, अब ये टेबल अगर आपको सीएसएस से बनानी पड़े ना तो बहुत मेहनत लगती है। कार्ड में, कार्ड वाले केस में तो मैं कहूँगा खुद की सीएसएस मुझे ज़्यादा सही लग रही है, लेकिन ऐसी टेबल अगर बनानी है, ठीक है, और उसमें पेजिनेशन भी है, उसमें स्टेप्स भी हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो है ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है सीएसएस में। अभी आप देखो ना नीचे टेबल, इसमें वो एक अभी पेजिनेशन वाली टेबल होगी, वो कहाँ गई वो पेजिनेशन वाली यार, हाँ देखो ऐसी स्ट्रिप वाली टेबल अगर है आपके पास, एक ग्रे और एक वाइट, एक ग्रे एक वाइट करके। अच्छा मटेरियल यूआई भी एक मौजूद है, सिर्फ रिएक्ट बूट स्ट्रैप नहीं, एक मटेरियल यूआई भी है, मटेरियल यूआई के नाम से एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, वो यही सेम काम करती है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा आप सब लोग। ये देख रहे हो इसमें ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ये कंपोनेंट देख रहे हो कैसे हैं, कैलेंडर का है, ये बार बना हुआ है, ये म्यूज़िक प्लेयर का कंपोनेंट है, ये सब पहले से बने बनाए पड़े हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट के अंदर जाऊँ, मैं डॉक्स में जाता हूँ, अरे भाई जाना गेट स्टार्टेड पे चले जाता हूँ यार, पता नहीं। अच्छा ये कंपोनेंट्स आ गए इसके, अब आप देखें बटन्स जो है ना इसके, बटन्स तो इसके बेसिक हैं,
जो होते हैं बटन सबके वही है, बटन में कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। स्लाइडर इनके पास मौजूद है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एक्स वाई जी छोटे बड़े आगे पीछे। तो ये इस तरह का कंपोनेंट आपको अगर ख़ुद बनाना पड़ जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। अच्छा फिर आप अवतार करके एक है इनका, ऐसे ये गोल गोल चुन्ने मुन्ने बने हुए आ जाते हैं सारे, ठीक है। इस तरह एच लिखा हुआ आ जाए, ऑटोमेटिक आता है ये लिखा हुआ, सही है। ये ऑटोमेटिक रैंडम कलर बना देता है आपको, बैज बना हुआ आ जाता है आपके पास, ये फोर लिखा हुआ छोटा सा, ठीक है। डिवाइडर जो है आपका देख रहे हैं डिवाइडर है। टेबल्स हैं इनके पास, बड़ी अच्छी किस्म की टेबल्स मौजूद हैं, देख रहे हो। ये पेजिनेशन वगैरह नीचे सेट किया हुआ है, सी एस एस सब ना बिल्कुल पक्की की हुई है इन्होंने। अब ये अगर ख़ुद से बनाना पड़े ना, देखो इसमें वो भी है, सॉल्ट वाला भी हिसाब किताब है। ये ऑटोमेटिक सॉल्ट होती है टेबल, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता, ये बिल्ट इन फीचर है इसका, ये टेबल खुद ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी हमें जगह पड़ जाती है कि हमें ना लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लाइब्रेरी इस्तेमाल करने का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपका टाइम बचता है, आपका कोड लिखने का जो वक्त है ना वो बच जाता है, ठीक है। और बस ये सिंपल सर, एक टेलविंड भी तो है। हाँ टेलविंड भी है वो, लेकिन थोड़ा वो अजीब सी है, ठीक है। टेलविंड का प्रॉब्लम ये है कि पेड़ है, ये फ्री नहीं है, है तो बहुत अच्छी लेकिन पेड़ है। सर कोड पेन भी अच्छा है फिर तो। कोड पेन लाइब्रेरी तो नहीं है कोई, नहीं फिर भी अच्छा है वैसे कोड वगैरह उठाने में। वो तो लोगों ने बना के डाला हुआ होता है तो आप उठाते हैं, किसी ने अगर ना बनाया हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा वो। लेकिन ये तो लाइब्रेरीज है ना ऑफिशियल, इन्होंने तो एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है। लेकिन सर इतनी लंबी होती है, नहीं लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे ना आप, जो कोड पेन में क्या इस्तेमाल किया हुआ है बंदे ने, लाइब्रेरी उठा दे बंदा, नहीं कोड पेन गूगल डेवलपर है जब भी बोलना गूगल से उठाते हैं चीज़। नहीं मिसाल के तौर पे मैं एक दे रहा हूँ आपको एग्जांपल कि वेदर वेदर कार्ड मुझे चाहिए और मैंने कहा कोड पेन, तो अब कोड पेन में जो कोड लिखा होगा बंदे ने, देखो वेदर कार्ड आ गया ना लिखा हुआ आ गया, किसी ना किसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया होगा ना इसने। अच्छा इसने देखो लाइब्रेरी नहीं किया, इसने डायरेक्ट सी एस एस लिखी है, सिंपल बनाई हुई इसने, ठीक है। डायरेक्ट सी एस एस का इस्तेमाल किया इसने, कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल इसने नहीं किया है। ये वेव लगा के ना कुछ इसने डॉट वेव, क्या चीज़ है ये, ये तो कंपाइल हो जाता है। अच्छा नहीं ना देखो ना jQuery यूज हुई भी है ना इसके अंदर, ये jQuery यूज की भी है इसने, तो वेल ये कंपाइल हो जाता है। हाँ ये असल में वही चीज़ है, लाइब्रेरी का भी सेम फंक्शन है जो कोड पेन का फंक्शन है, कि कोड पेन में किसी ने लिख के रखा हुआ है। अब लेकिन मसला ये है कि किसी ने लिख के रखा हुआ है, इसका कोड टेस्टेड है नहीं है ये सब कुछ पता नहीं है आपको, आपको कोई पता नहीं है कि कोड किसने लिखा है क्या लिखा है। लाइब्रेरी का बेनिफिट ये होता है, लाइब्रेरी में आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये लाइब्रेरी कितने हज़ार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में मैं जाऊँ, देखो गिटहब का लिंक है, गिटहब में गया, यहाँ पे ऊपर स्टार्स बने हुए आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखो 21,000 लोग इसको इस्तेमाल करके उनको पसंद आया इतना कि उन्होंने स्टार का बटन दबा दिया, आगे स्टार दे दिया इसको, सही है। हमने तो नहीं दिया, मैंने नहीं दिया अभी तक, ठीक है। देखो मेरा बना हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। तो 21,000 लोगों ने बोला कि यार अच्छी लाइब्रेरी है। फिर हम आते हैं इसके ऊपर, इनका भी देखो गिटहब बना हुआ है मटेरियल यूआई का, चलते हैं मटेरियल यूआई के गिटहब में। देखो 80,000 लोगों ने बोला हुआ है कि भाई ये अच्छा है, मैंने भी इस पे स्टार दिया हुआ है, देख रहे हो नोट कर रहे हो, 80,000 लोगों ने बोला हुआ है। तो मसला ये है कि ये टेस्टेड है, देख रहे हो कितने सारे लोग इसके कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। इश्यूज़ में जाओगे तो कितने 1.1 के इश्यूज़ लोगों ने रिपोर्ट किए हुए, ठीक है। ये देख रहे हो 15,000 इशू इन्होंने सॉल्व कर दिए लोगों के, लोगों ने बोला था भाई ये इशू है, 15,000 इशू इन्होंने सॉल्व कर दिए। तकरीबन 1,000 इशूज़ अभी भी ओपन है इसके, वो भी सॉल्व कर रहे हैं ये कंटिन्यूसली लगे हुए, ठीक है। ये देख रहे हो स्टेटस, सब पे स्टेटस लगा हुआ है, सब पे स्टेटस, सब किसी ना किसी को असाइन हुआ भाई, ये देख रहे हो असाइन टू HBOB, पता नहीं क्या नाम है इसका, असाइन टू माइकल। ये जो इशू है ये इनके जो ऑनर्स हैं, जो इसके ऑथर्स हैं, उन्होंने इस बंदे को असाइन किया हुआ है कि भाईजान ये वाला इशू आप सॉल्व करोगे, टीम के बंदे हैं ये, सही है। ये देख रहे हो सारे इशूज़ इसमें रिपोर्ट हुए हैं। तो इस वजह से कोड पेन जो है वो यूज़ करना सही है, जब ज़रूरत है तो आप बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन कोड पेन को आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, इस पर आप डिपेंड कर सकते हैं क्योंकि ये बाकायदा लाइब्रेरी है, ये बाकायदा कंपनी है, इससे ये रेवेन्यू कमा रहे हैं, इनकी टीम है जो इसको मेंटेन करती है, कोई मसला आता है आप उसको रिपोर्ट करते हैं, वो मसला ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप लगा कर देख लिए, हम फिर किसी दिन जो है वो मटेरियल यूआई लगा कर भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने
रिएक्ट बूटस्ट्रैप थोड़ी सी अप्लाई करके देखिए, कोई ढंग से तो नहीं की हमने, क्योंकि वो कोई इधर कोई उधर भाग रहा है। सर प्रोफेशनल जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं उस टाइम तो मटेरियल यूज होती है आई थिंक। अच्छा, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जब बना रहे होते हैं हम तो उस वक्त क्लाइंट आपको बताता है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एम्प्लॉई हैं तो आपको वो सॉफ्टवेयर हाउस में जो इंचार्ज होगा ना आपका, वो आपको बताएगा कि भाई आपको मटेरियल यूआई यूज़ करनी है या रिएक्ट बूटस्ट्रैप करना है या क्या करना है। सम टाइम आपसे वो पूछ भी लेता है कि भाई कौन सी तुम्हें आती है वो यूज़ कर लो, सम टाइम ऐसा भी होता है। सम टाइम वो कहता है नहीं नहीं यार इसमें मटेरियल यूआई लगेगी यार, नहीं नहीं इसमें बूटस्ट्रैप ही लगेगी, कोई और नहीं लगा सकते आप। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो सम टाइम क्लाइंट आता है वो कहता है यार मुझे बस ऐप बना के दो, मेरे को नहीं पता कि भाई क्या लाइब्रेरी होती है क्या नहीं होती, बस चलनी चाहिए और ऐसा दिखना चाहिए। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लगा दें। सम टाइम वो बोलता है नहीं मेरे को बूटस्ट्रैप लगा के दो। सही है, तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, ये केस टू केस वेरी करता है कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। ओके सर, यानी सब कुछ सीखना है? नहीं सब कुछ नहीं सीखना है, सीखना तो आपको एक है अच्छे से। यार देखो अभी रिएक्ट बूटस्ट्रैप जैसे हमने यूज़ किया ना, अभी मटेरियल यूआई में आपको चला कर दिखाऊंगा ना, सेम इसी तरह चलती है वो भी, समझ रहे हो, सेम इसी तरह। सर बूटस्ट्रैप तो सीखी हुई है और ये भी आपने दिखाया था रिएक्ट वगैरह का, तो सेम वही चीज़ है। हाँ तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप अगर आपको आ गई ना, एक आ गया ना कोई सही से, तो आपको मटेरियल यूआई भी आ जाएगा। ठीक है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा चेंज नहीं है। मिसाल के तौर पे एक सीएसएस की लाइब्रेरी जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के साथ जो चलती है, सॉरी रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है या मटेरियल, तो कोई एक आप अच्छे से सीख लें, बाकियों की खैर हो गई, बाकी फिर आप काम करते करते सीखते रहेंगे। बूटस्ट्रैप आती है सर? रिएक्ट बूटस्ट्रैप या सिर्फ बूटस्ट्रैप? नॉर्मल बूटस्ट्रैप, उसके काफ़ी 7-8 प्रोजेक्ट्स भी बने पेज पूरे पूरे। हाँ तो बस सही है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में आप पहले हाथ साफ करें अपना, तो ज़्यादा आपको आसान रहेगी। अच्छा तो भाई हो, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी है? हमने एक वेदर ऐप बना ली है यहाँ पर, और आप सब लोगों को यही वेदर ऐप इसी तरह कंपोनेंट की हायरार्की बना के ना, ये वेदर ऐप आप सब लोगों को बना के लानी है नेक्स्ट क्लास में। सर जी मुझसे ये वेदर एपीआई नहीं उठाई जा रही ना। क्या नहीं हो रहा आपसे? वेदर एपीआई तो समझ नहीं आ रही। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर आप। हाँ कर दे कर दे। सर क्लास खत्म हो गई है अभी पढ़ाएंगे? हाँ बस अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा, खत्म करूंगा उसके बाद क्लास। बताएं एक मिनट, ये आपको एपीआई मिल रही नहीं है या क्या सीन है? मैंने आपको भेज दिया वैसे मैसेज में ना, ये भेज। अच्छा, इसमें साइन इन करना होता है वो ऐप आईडी निकालने के लिए। ये मैंने पूरा कोड आपको भेज दिया ना, लास्ट वाला जो मेरा मैसेज है ना पूरा कॉपी कर लें आप। वो असल में बीच में टेम्पलेट लगा हुआ है ना, वहाँ पे आपको सिटी का नाम लिखना होता है। आप कोड में पेस्ट करते हैं डायरेक्ट, कोड में आप अपने ले जाके ना इसको पेस्ट करना, ये गेट एक्सियोस डॉट गेट पूरा पढ़ लेना एक साथ ही। ओके, इसमें से नहीं बताएंगे आप? हाँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा साइन इन इसमें करना होगा आपको ऐप आईडी निकालने के लिए? हाँ साइन इन तो मैंने किया था। दोबारा कर लें, अभी तो ये साइन आउट हो गया। API keys में जाएं पहले, API keys टॉप पे चलें, और टॉप पे चलें API keys नहीं वहीं पे उसी पेज पे रहा। अच्छा अपने नाम पे क्लिक करें, वहाँ पे एक आ रहा होगा, ये रहा सामने आ रहा है ना, न्यू प्रोडक्ट सर्विस API keys, API keys में चले गए। हाँ ये कॉपी कर लें आप इस API key को। हाँ ठीक है, मैं मिल गया, ये कॉपी करना है। हाँ समझ आ गया, कॉपी कर। हाँ बस मैं समझ चलो जबरदस्त कर लें जल्दी से।
बाद में कर लूँगी। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को खत्म करते हैं फिर हम यहाँ पे। चलो यार भाइयों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।